द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान बाय मॉर्गन हाउसल, टाइमलेस लेसन्स ऑन वेल्थ, ग्रीड एंड हैप्पीनेस। केवल वही आदमी प्रतिभाशाली है जो तब भी औसत काम कर सके जब उसके आसपास के सभी लोग अपना दिमाग गवा रहे हों। नेपोलियन बोनापार्ट ने ये बात शायद हमारी आज की किताब के संदर्भ में ही लिखी थी। अगर आप भी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे तो आपको भी कुछ ऐसा ही लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी एक बार फिर से आपके समक्ष हूँ एक नई किताब और इससे मिलने वाले भरपूर ज्ञान को लेकर। हम आज जिस किताब पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान। और इसके लेखक हैं जाने माने वित्तीय पत्रकार मॉर्गन हाउसल, जिन्हें अर्थ जगत की दुनिया में अपने योगदान की वजह से ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं। इनके लिखे इस किताब को पढ़कर अब तक लाखों लोगों को फायदा हुआ है। आइए जानते हैं क्या हैं वो गुर जिन्हें सीखकर हम अपने पैसे का सही उपयोग कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को लगातार बेहतर बना सकें। यहाँ एक छोटी सी बात समझना जरूरी है, वो ये कि पैसों के मामले में सफल होने के लिए जरूरी नहीं कि आप क्या और कितना जानते हैं। जरूरी ये है कि उस जानकारी से आप कैसे व्यवहार करते हैं, उसका कैसे लाभ उठाते हैं। इसे थ्योरी के रूप में सीखना सिखाना थोड़ा मुश्किल है, यहाँ तक कि कई स्मार्ट लोग भी इसे आसानी से समझ नहीं पाते। रुपए पैसे का निवेश, सही जगह और सही समय पर उसका इस्तेमाल, कारोबारी निर्णय, ये सब जब स्कूल में हमें गणित और अर्थव्यवस्था के आधार पर पढ़ाया जाता है तो उसकी शक्ल कुछ और ही होती है, जबकि असली जीवन में हमें डेटा, रिसर्च और सूत्रों से कुछ और ही पता चलता है। हम जान पाते हैं कि वास्तव में हमें क्या करना है। वास्तविक दुनिया में लोग स्प्रेडशीट पर वित्तीय निर्णय नहीं लेते हैं, वो उन्हीं खाने की मेज पर, अपने काम करने की जगह पर या अपने ड्रॉइंग रूम में प्लान करते हैं, जहाँ व्यक्तिगत इतिहास, अनूठा दृष्टिकोण और पिछले कुछ प्रोत्साहनों को एक साथ मिला दिया जाता है। इस किताब में लेखक मॉर्गन हाउसल ने कुछ 19 लघु कथाएं साझा की हैं, जो लोगों के पैसों के बारे में सोचने के अजीब तरीकों की ओर ले जाती हैं और बताती हैं कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक को बेहतर तरीके से कैसे समझा जाए। शर्लक होम्स का एक मशहूर कोट है, दुनिया स्पष्ट चीजों से भरी है जिसे कोई भी कभी भी नहीं देखता है। यानी जो कुछ हमारे चारों तरफ बहुत साफ साफ हो रहा होता है अक्सर हमारी नजर और दिमाग में नहीं चढ़ता। कई बार एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाता है, वो खुद अपने लिए और अपने परिवार के लिए एक वित्तीय आपदा हो सकता है, अपना सब कुछ गंवा सकता है, बहुत ऊंचाई पर जाकर एकदम से नीचे आ सकता है। वहीं दूसरी ओर बिना वित्तीय शिक्षा वाले साधारण लोग बहुत अमीर हो सकते हैं। छोटे छोटे व्यापारी, कारोबारी या कम आय पर नौकरी करने वाले कई लोग अपने सामर्थ्य से कहीं ज्यादा संपत्ति अर्जित कर लेते हैं। इसके लिए बुद्धि के औपचारिक उपायों से कोई खास लेना देना नहीं है, बस उन्हें कुछ चाहिए तो सिर्फ मुट्ठी भर व्यवहार कौशल। यहाँ ये कहना भी गलत ना होगा कि जब पैसे को पता चलता है ना कि वो अच्छे हाथों में है तो वो उन हाथों में ही रहना चाहता है और स्वयं को कई गुणा बढ़ता हुआ देखना चाहता है। मुझे किसी और किताब में पढ़े हुए कुछ वाक्य याद आ रहे हैं जिसमें कहा गया था कि पैसों के ना कान होते हैं, आप उससे जो कहते हैं ना उससे सावधान रहें, और सावधान रहें कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि पैसा आपके प्रति वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा आप उससे कहते हैं और आप उसके बारे में महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इस किताब के जरिए हम जानेंगे वो सब सॉफ्ट स्किल्स जिन्हें साइकोलॉजी ऑफ मनी या पैसे का मनोविज्ञान कहा जाता है। इस किताब का उद्देश्य कुछ लघु कथाओं के उपयोग से आपको ये समझाना है कि पैसे के तकनीकी पक्ष की तुलना में सॉफ्ट स्किल्स कितने महत्वपूर्ण हैं। हम इन सब पर चर्चा करेंगे जिससे आप सभी को अपने फाइनेंशियल प्लान्स बनाने में बेहतर मदद मिल सके। आप बने रहिएगा हमारे साथ इस सफर में। धरती पर होने वाला सबसे बड़ा प्रदर्शन। धन वो नहीं है जो आप कमाते हैं, बल्कि वो है जो आप रख पाते हैं। ये एक बहुत सटीक और सच्ची कहावत है। पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, उसे सहेज कर रख पाना मुश्किल है।
हम लोग अक्सर जोश में आकर पैसों की परवाह नहीं करते। 4 दिन की जिंदगी है, खाओ पियो ऐश करो कहकर अपनी गाढ़ी कमाई को उड़ा देते हैं। इसके परिणाम कभी भी हमारे हित में नहीं होते। याद रहे, धन और संपदा उसी के पास रहती है जो उसका आदर करना जानते हैं, उसे समझदारी से खर्चते हैं, क्योंकि बुद्धिमानी बचत और सही जगह निवेश में ही है और यही समृद्ध जीवन का मूल मंत्र है। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है जाने माने वित्तीय पत्रकार और लेखक मॉर्गन हाउसल की लिखी बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान। आइए लेखक ने जो कहानी बताई है उसका सार समझते हैं। मैंने अपने कॉलेज जीवन में कई साल लॉस एंजलिस के एक बहुत ही शानदार होटल में बतौर सेवक गुजारे। वहाँ काम करते हुए मैंने बहुत से सबक सीखे, पर जो मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गया वो किस्सा कुछ यूं था। हमारे होटल में एक विशिष्ट अतिथि अक्सर आया करते थे। वो एक प्रौद्योगिकी कार्यकारी थे, बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति जिन्होंने बहुत कम उम्र में वाईफाई राउटर में एक प्रमुख डिजाइन पेटेंट करवाया था। उन्होंने कई कंपनियों को भी शुरू किया और सफल होने पर उन्हें बेचते गए। जाहिर है ये सब करके उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया। उन्होंने सफलता की बुलंदियों को बहुत कम समय में ही छू लिया। हर कोई उन्हें बहुत ही बुद्धिमान और तेज समझता था, पर उनका पैसे के साथ जो रिश्ता था उसे मैं बेहद बचकाना और मूर्खतापूर्ण कहूंगा। उनके पास अक्सर $100 के नोटों की कई इंच मोटी गड्डी होती थी जिसे वो हर किसी को दिखाते रहते थे। जो इसे देखना चाहते थे उन्हें भी, और जो नहीं देखना चाहते थे उन्हें भी। वो अपनी धन संपत्ति के बारे में खुलेआम और जोर जोर से डींगे मारते थे। अक्सर नशे में रहते थे और किसी को भी कुछ भी नहीं समझते थे। एक दिन उन्होंने मेरे एक साथी को बहुत सारे पैसे दिए और कहा, पास की सुनार की दुकान से सोने के सिक्के ले आओ। 1 घंटे बाद वो और उनके कुछ चाटुकार दोस्त, जो सिर्फ दूसरे के पैसों पर ऐश किया करते थे, हाथ में सोने के सिक्के लेकर प्रशांत महासागर की ओर मुंह करके खड़े हो गए और एक एक करके वो सिक्के समुद्र में ये देखने के लिए फेंकने लगे कि किसका सिक्का सबसे दूर तक जाता है, सिर्फ अपने कुछ समय के मनोरंजन के लिए। बताइए इससे बड़ी बेवकूफी और क्या होगी। कुछ दिनों बाद उनसे होटल का एक कीमती लैंप टूट गया और जब हमारे मैनेजर ने उनसे कहा कि ये $500 का है और आपको इसका हर्जाना देना होगा, तो अपनी जेब से नकदी की एक पूरी गड्डी निकालते हुए उन्होंने मैनेजर को सौंप दी और कहा, ये $5,000 है, इसे रखो और मेरे सामने से दूर हट जाओ, खबरदार कभी भी फिर इस तरह से मेरा अपमान किया तो। क्या बता सकते हैं कि उनका ये व्यवहार कितने समय तक चला होगा? जी हाँ, ज्यादा लंबे समय तक नहीं। कुछ ही सालों बाद पता चला कि वो पूरी तरह से दिवालिया हो गए थे। तो सीधी सी बात यह है कि आप कितने भी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकते हैं, पर अगर आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो देते हैं तो न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक वित्तीय आपदा बन सकते हैं। आप पर दुनिया भर का कर्ज चढ़ सकता है और उसके बोझ तले आपका जीवन बहुत ही मायूस हो सकता है। वहीं दूसरी ओर इसका उल्टा होना भी संभव है। दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो बिना किसी बड़ी वित्तीय शिक्षा के और बेहद साधारण प्रतिभा रखने पर भी ढेर सारा धन कमाकर सिर्फ इसलिए अमीर हो गए क्योंकि उनके पास वो व्यवहार कौशल था जिसका बुद्धि के औपचारिक उपायों से कोई लेना देना नहीं है। यानी धन कमाना आसान है, धनी बने रहना मुश्किल। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन संपत्ति का मनोविज्ञान नामक किताब की। इसी तरह की कई छोटी बड़ी कहानियाँ और उनके पीछे के संदेश के साथ हम अपनी बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप कहीं मत जाइएगा। धन संचय और सही निवेश। अमेरिकी एक्टर विल रॉजर्स ने बहुत सरलता से कितनी गंभीर बात कही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा खर्च करते हैं उन चीजों को खरीदने के लिए जो वो नहीं चाहते, और उन लोगों को प्रभावित करने के लिए जो उन्हें पसंद नहीं है। है ना कमाल की बात। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं, अपना घर भर देते हैं बेकार की चीजों से, वो भी बेकार के लोगों को दिखाने के लिए। कहिए आप भी इस बात से सहमत हैं या नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आप हैं मेरे साथ एक ऐसी किताब की चर्चा में जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों को पैसे का सही मोल समझाया है। बात हो रही है मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। इस किताब में बहुत ही आसान भाषा में और अनेक सच्ची कहानियों के माध्यम से बताया गया है कि
धन अर्जित करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उसे सहेज कर रख पाना। आइए सुनते हैं ऐसी ही एक सच्ची कहानी। क्या आपने रोनाल्ड जेम्स रीड का नाम सुना है? रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकी परोपकारी और निवेशक थे। एक जमाने में वो चौकीदार और गैस स्टेशन परिचारक भी रहे। रीड का जन्म वर्मोंट नाम के एक छोटे से शहर में हुआ था। अपने परिवार में हाई स्कूल तक पढ़ने वाले वो पहले व्यक्ति थे। जो लोग उन्हें जानते थे उनके लिए वो एक मामूली इंसान थे और उनके जीवन में कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। बरसों तक मामूली आमदनी में काम करने के बाद उन्होंने 38 साल की उम्र में $12,000 में 2 बेडरूम का घर खरीदा और जीवन भर वहीं रहे। उनकी मृत्यु साल 2014 में 92 वर्ष की उम्र में हुई और तब तक इस गरीब विनम्र ग्रामीण चौकीदार ने अंतरराष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी थी। उस साल जितने भी अमरीकियों की मृत्यु हुई उनमें से ऐसे लोगों की संख्या 4,000 से भी कम थी जिनकी कुल संपत्ति $8 मिलियन से अधिक हो। और क्या आप जानते हैं कि रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे? अपनी वसीयत में इस भूतपूर्व चौकीदार ने अपने बच्चों के लिए $2 मिलियन और अपने स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन से अधिक छोड़े। जो लोग रीड को जानते थे वो चकित थे, किसी को उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बाद में पता चला कि उन्होंने कोई लॉटरी नहीं जीती थी और ना ही कोई विरासत थी उनके पास। रीड ने जितना हो सका उतना पैसा बचाया और ब्लू चिप स्टॉक्स में निवेश किया। फिर उन्होंने बड़े धैर्य के साथ कई दशकों तक इंतजार किया और एक दिन उनकी वो छोटी सी बचत $8 मिलियन से अधिक हो गई। तो ये था एक मामूली चौकीदार से एक विश्वविख्यात परोपकारी बनने तक का उनका सफर। और अब चलते हैं इसी विषय पर अपने दूसरे उदाहरण की ओर। रोनाल्ड रीड की मृत्यु से कुछ महीने पहले रिचर्ड नाम का एक और व्यक्ति चर्चा में था। रिचर्ड फस्कोन वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। MBA की डिग्री, हार्वर्ड शिक्षित, मेरिल लिंच के कार्यकारी, रिचर्ड का फाइनेंस में बहुत सफल करियर था। 2000 के दशक में रिचर्ड ने ग्रीनविच कनेटिकट में अपने विशाल और आलिशान बंगले का विस्तार करने के लिए भारी उधार लिया। इस महल नुमा घर में 11 बाथरूम, 2 लिफ्ट, 2 पूल, 7 गैरेजेस थे और इसकी देखरेख का खर्चा एक महीने में लगभग $90,000 से भी अधिक था। फिर 2008 में दुनिया भर में वित्तीय संकट आया। ऐसे में बहुत अधिक कर्ज और अतरल संपत्ति ने रिचर्ड को दिवालिया बना दिया। 2008 में उन्होंने कथित तौर पर अदालत को बताया कि उनके पास कोई आय नहीं है। पहले उनके पाम बीच हाउस को बंद किया गया। 2014 में ग्रीनविच हवेली की बारी थी और आखिरकार नीलामी में उनकी सारी संपत्ति औने पौने दाम में बिक गई। इन कहानियों के बारे में आकर्षक बात यह है कि कैसे कोई व्यक्ति बिना किसी कॉलेज डिग्री, बिना किसी प्रशिक्षण, किसी पृष्ठभूमि, बिना किसी औपचारिक अनुभव और किसी कनेक्शन के किसी ऐसे को पछाड़ सकता है जिसके पास सबसे अच्छी शिक्षा, सर्वोत्तम प्रशिक्षण और बेहतरीन कनेक्शन हो। रोनाल्ड रीड धैर्यवान था, रिचर्ड फस्कोन लालची था और इन दोनों के बीच बड़े पैमाने पर शिक्षा और अनुभव का अंतर था। फिर भी देखिए कि अंत में बाजी किसने मारी, है ना सोचने लायक बात। आगे की चर्चा में अभी बहुत कुछ बाकी है, आप बने रहें हमारे साथ। पैसा और व्यवहार ये मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि ये मायने रखता है कि आप कितना पैसा सहेज पाते हैं। यह आपके लिए कितनी मेहनत करता है और आप इसे कितनी पीढ़ियों के लिए रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात है जो हम अक्सर भूल जाया करते हैं। आज में जीने का दम भरते हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पल्लवी और बात हो रही है मॉर्गन हाउसल की लिखी इस अनूठी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। आज के समय में 2 विषय सभी को प्रभावित करते हैं, चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं। ये विषय हैं स्वास्थ्य और धन। हम सभी इन दोनों बातों को लेकर चिंतित हैं। वैज्ञानिक खोजों ने डॉक्टरों के पुराने विचारों को बदल दिया है कि मानव शरीर कैसे काम करता है और वस्तुतः हर कोई इसके कारण स्वस्थ है। हमें पता लग चुका है कि अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही अच्छा जीवन संभव है, इसलिए हेल्थ और फिटनेस एक उद्योग के रूप में बेहद सफल है। वहीं दूसरी ओर फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स या पर्सनल फाइनेंस यानी धन निवेश उद्योग या व्यक्तिगत वित्त एक अलग ही कहानी है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से आने वाले सबसे चतुर दिमाग भी
बहुत ऊंचे निवेशक बन पाए हूँ, क्या ऐसा कोई सबूत पाया गया है? शायद नहीं। ट्रायल एंड एरर यानी सामूहिक प्रशिक्षण और त्रुटि के माध्यम से हमने बेहतर किसान, कुशल प्लम्बर और उन्नत रसायनज्ञ बनना तो सीख लिया, पर क्या इसी परीक्षण और त्रुटि ने हमें अपने व्यक्तिगत वित्त के साथ बेहतर बनाना सिखाया है? क्या हम खुद को कर्ज में दबे होने की कम संभावना रखते हैं? क्या आज हमारे पास किसी बुरे दिन के लिए बचत करने की अधिक संभावना है? क्या हमने अपने बुढ़ापे या सेवानिवृत्ति की सही तैयारी कर रखी है? शायद नहीं। और वो इसलिए क्योंकि आज भी हमारी खुशी के लिए पैसा क्या करता है और क्या नहीं करता, इसके बारे में हमारे विचार यथार्थवादी नहीं है। और इसका ज्यादातर कारण ये है कि हम पैसे के बारे में मनोविज्ञान की तरह यानी भावनाओं और बारीकियों के साथ नहीं सोचते, बल्कि हमेशा ही भौतिक नियमों और कानूनों को ध्यान में रखते हैं। आइए जानते हैं कि लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं। मैंने 2008 की शुरुआत में वित्त के बारे में लिखना शुरू किया था। ये दुनिया भर में आए वित्तीय संकट की सुबह थी और 80 वर्षों में सबसे खराब मंदी थी। जो हो रहा था उसके बारे में लिखने के लिए ये जानना जरूरी था कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन मैंने जो पहली चीज सीखी वो ये थी कि कोई भी सटीक रूप से ये नहीं बता सकता था कि क्या हुआ या क्यों हुआ। इसके बारे में क्या किया जाए इसकी बात तो छोड़ ही दीजिए। हर अच्छी व्याख्या के सामने एक ठोस खंडन था। इंजीनियर पुल के ढहने का कारण निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि ये बात है कि यदि किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित मात्रा में बल लगाया जाता है तो वो टूट जाएगा। इसके पीछे के फिजिक्स में कोई विवाद नहीं है, ये कानूनों द्वारा निर्देशित है। फाइनेंस बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, ये लोगों के व्यवहार से निर्देशित होता है। और मैं जिस तरह का व्यवहार करता हूँ वो मुझे समझ में आता है, लेकिन आपको अजीब लग सकता है। जितना अधिक मैंने वित्तीय संकट के बारे में अध्ययन किया और लिखा, उतना ही मुझे एहसास हुआ कि आप इसे मनोविज्ञान और इतिहास के लेंस के माध्यम से बेहतर समझ सकते हैं, सिर्फ वित्त के नाम से नहीं। ये समझने के लिए लोग खुद को भारी कर्ज तले क्यों दफनाते हैं? आपको ब्याज दरों पर अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, आपको अपने लालच और असुरक्षा का अध्ययन करने की जरूरत है। कई बार निवेशक अपने निवेश को सिर्फ इसलिए सस्ते में बेच देते हैं क्योंकि वो अपने परिवार की ओर देखते हैं और इस सोच में पड़ जाते हैं कि कहीं वो अपने परिवार के भविष्य को खतरे में तो नहीं डाल रहे। ऐसे में वोल्टेयर का ये कथन यहाँ बहुत अच्छी तरह से लागू होता है कि इतिहास कभी खुद को दोहराता नहीं है, पर आदमी हमेशा दोहराता है। इस विषय पर अभी काफी चर्चा होती रहेगी, आप भी जुड़े रहें हमारे साथ। मूर्ख कोई नहीं। साल 2018 की बात है, जब लेखक मॉर्गन हाउसल ने पैसे के साथ अलग अलग तरह से व्यवहार करते समय लोगों को प्रभावित होते हुए देखा तो उस पर एक रिपोर्ट लिखी। इस रिपोर्ट में उन्होंने कुछ जरूरी खामियों और बुरे व्यवहार के कारणों को रेखांकित किया और इसे द साइकोलॉजी ऑफ मनी नाम दिया। जल्द ही उस रिपोर्ट ने एक किताब की शक्ल ले ली और देखते ही देखते 10 लाख से अधिक लोग इसे पढ़ चुके थे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हमारी चर्चा भी इसी किताब में दिए गए कुछ छोटे छोटे अंश पर हो रही है। हम बात करेंगे उन सभी 20 चैप्टर्स की जिनमें पैसे के मनोविज्ञान और इसकी विशेषताओं पर लेखक ने अपनी राय रखी है। ये किताब इस विषय में गहरा गोता लगाती है। आइए सुनते हैं कि लेखक हमसे क्या कह रहे हैं। लेखक के शब्दों में, मैं आपको एक सामान्य सी परिस्थिति के बारे में बताता हूँ। इसे जानकर शायद आप अपने पैसों के साथ क्या करते हैं और दूसरे लोग अपने पैसों के साथ क्या करते हैं और ये फर्क क्यों है, इस बारे में आप थोड़ा और बेहतर महसूस कर सकेंगे। ये मान लीजिए कि लोग पैसों के साथ कुछ मूर्खतापूर्ण काम जरूर करते हैं, लेकिन वास्तव में मूर्ख कोई नहीं होता। यहाँ ये जानना जरूरी है कि हम सब एक दूसरे से अलग हैं, इसलिए पैसों के प्रति हम सबका रवैया भी अलग अलग होता है। ये तो मानते हैं ना कि अलग अलग पीढ़ियों के लोग, माता पिता द्वारा अलग अलग तरीके से पाले गए लोग, अलग आय अर्जित करने वाले और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं में पैदा हुए लोग, इन सभी का अनुभव और सबक बहुत अलग अलग होगा।
दुनिया कैसे काम करती है इसके बारे में हर किसी का अपना एक अनूठा अनुभव होता है। आपको जो बिल्कुल बेसिर पैर का लगता है, हो सकता है वो मुझे समझ में आ रहा। जो व्यक्ति गरीबी में पला बढ़ा है वो जोखिम और इनाम के बारे में इस तरह सोचता है जिस तरह एक धनी बैंकर का बच्चा लाख कोशिश करने पर भी कभी सोच ना पाएगा। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सब कुछ खो देने वाले स्टॉक ब्रोकर ने 1990 के दशक में मार्केट में उफान आने पर कुछ ऐसा अनुभव किया होगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे लिए चुनौती ये है कि कितने भी खुले विचार रख लें या इस विषय पर कितना भी पढ़ लें, वास्तव में डर और अनिश्चितता नहीं समझ पाएंगे। मैं इस बारे में पढ़ सकता हूँ कि ग्रेट डिप्रेशन के दौरान सब कुछ खोना कैसा था, लेकिन मेरे दिल पर कभी भी उन लोगों की तरह भावनात्मक निशान नहीं पड़ेंगे जिन्होंने वास्तव में उसका अनुभव किया होगा। हम दुनिया को एक अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा ऑस्ट्रेलियाई जिसने अपने जीवन में कभी भी मंदी नहीं देखी हो, उसका अनुभव एक अमरीकी व्यक्ति से बिल्कुल अलग होगा। इस तरह ऐसे अनुभवों की सूची अंतहीन है। हो सकता है कि आप पैसों के बारे में ऐसी चीजें जानते हों जो मैं नहीं जानता, और इसके विपरीत मेरे पास कुछ ऐसा ज्ञान होगा जो आप तक नहीं पहुंचा। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हम में से कोई एक दूसरे से ज्यादा स्मार्ट है या उसके पास बेहतर जानकारी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि समान रूप से प्रेरक अनुभवों के आधार पर होते हुए भी हमने अलग अलग जीवन जिए हैं। किसी स्प्रेडशीट को पढ़कर आपको शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट का एक छोटा सा मॉडल तो देखने को मिल सकता है, लेकिन उसे पढ़कर आपको वो एहसास नहीं मिलेंगे जो घर लौटने पर अपने बच्चों के चेहरों को देखकर मिलते हैं। अगर आप कोई ऐसी गलती करते हैं जिससे उनका जीवन प्रभावित हो, इतिहास पढ़ने से आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कुछ समझ रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसे जीते नहीं हैं और व्यक्तिगत रूप से उसके परिणामों को महसूस नहीं करते हैं, तब तक आप अपने व्यवहार को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं समझ सकते हैं। हम सभी सोचते हैं कि हमें अच्छी तरह से पता है ये दुनिया कैसे काम करती है, लेकिन हम सभी ने इसका केवल एक छोटा सा अनुभव किया है और अभी एक लंबा सफर तय करना बाकी है। मन मस्तिष्क पर असर करने वाली ये गहरी चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आप भी जुड़े रहिए हमारे साथ। समय बड़ा बलवान। इकोनॉमिस्ट्स के अनुसार हर निवेशक की जोखिम उठाने की इच्छा उसकी पर्सनल हिस्ट्री पर निर्भर करती है, उसकी बुद्धि या उसकी शिक्षा पर नहीं। सिर्फ उसका भाग्य और परिस्थिति कि वो कब और कहां पैदा हुआ था, इससे ये तय होता है कि वो अपनी संपत्ति के साथ क्या करेगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें लेखक ने बड़ी गहराई के साथ धन संपदा के मनोविज्ञान को समझाने की कोशिश की है। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2019 में प्रसिद्ध बॉन्ड मैनेजर बिल ग्रोस का इंटरव्यू लिया। ग्रोस ने माना कि अगर वो एक दशक पहले या बाद में पैदा हुए होते तो शायद उस जगह नहीं पहुंचे होते जहां वो आज हैं। उनका करियर ब्याज दरों में पीढ़ीगत गिरावट के साथ लगभग पूरी तरह से मेल खाता है, जिसने बॉन्ड की कीमतों को एक टेलविंड दिया। आज की पीढ़ी के लिए ये बॉन्ड बहुत सारा धन पैदा करने वाली मशीनें थी, और वहीं उनके पिता की पीढ़ी के लिए जो बहुत अधिक इन्फ्लेशन यानी महंगाई के साथ बड़े हुए, उन्हें ये पैसों की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं लगता था। कायदे से तो लोगों को अपने लक्ष्यों और उस समय उनके पास मौजूद निवेश विकल्पों की विशेषताओं के आधार पर ये निर्णय लेने चाहिए, लेकिन अक्सर लोग ना ऐसा नहीं करते। अर्थशास्त्रियों ने पाया कि लोग अक्सर अपने ही जीवन से प्रभावित होकर ये निवेश निर्णय लेते हैं, खासकर उस समय के अनुभवों के मद्देनजर जब वो जवान थे। मतलब समय और उम्र के साथ जो बदलाव आने चाहिए वो नहीं आ पाते, और कई बार वो इस वजह से मात खा जाते हैं। यदि आप अधिक महंगाई के दौर में बड़े हुए हैं तो आपको बाजार में निवेश करने के बहुत कम अवसर मिले होंगे। वहीं अगर आप शेयर बाजार के मजबूत होने पर बड़े हुए हैं तो आपने अपने जीवन में शेयरों में अधिक पैसा निवेश किया होगा। लोगों के दो समूह सिर्फ इस वजह से शेयर बाजार के काम करने के ढंग को अलग नजर से देखते हैं क्योंकि उनके जन्म के वर्षों में लंबा अंतर रहा, और समय का ये बदलाव ही उनके दृष्टिकोण में बदलाव का एक अकेला कारण है। कौन नहीं जानता कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान
जर्मनी और जापान के स्थानीय शेयर बाजारों का पूरी तरह सफाया हो गया था। इन देशों पर भारी बमबारी की गई थी। युद्ध के अंत में जर्मनी के किसान बहुत ही कम उत्पादन कर पाए थे। वहीं दूसरी ओर इसकी तुलना अमेरिका से करें, जहां शेयर बाजार दुगने से अधिक हो गया था और अर्थव्यवस्था लगभग दो दशकों में सबसे मजबूत थी। अब ऐसे में किसी को भी इन अलग अलग देशों के लोगों से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वो पैसे, रोजगार और व्यापार जैसी बातों में एक जैसी राय रखेंगे। पैसों के बारे में उनका दृष्टिकोण अलग अलग दुनिया में बना था, और जब ऐसा होता है तब जो लोगों के एक समूह के लिए सही होता है वही दूसरे को अपमानजनक लग सकता है। अक्सर लोग अपने पैसे के साथ जो भी निर्णय लेते हैं वो उनके पास मौजूद जानकारी के हिसाब से उचित होता है। ऐसे में हो सकता है कि उन लोगों के पास गलत सूचना हो या अधूरी जानकारी। वो गणित में खराब हो सकते हैं या किसी बेकार की मार्केटिंग का शिकार। वो नहीं जान पाते कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि वो अपने हिसाब से सही कर रहे होते हैं। वो खुद को राजी कर लेते हैं कि वो जो कर रहे हैं वही ठीक है। इसका एक सरल उदाहरण है लॉटरी टिकट, जिसकी अमेरिकी बाजार में सबसे ज्यादा बिक्री होती है। और ये टिकट कौन खरीदता है भला? ज्यादातर गरीब लोग। जी, वो किसी ऐसी चीज पर अपने पैसे खर्च करते हैं जिसका चांस लाखों में एक है। हम लोगों को शायद वो पागल लग सकते हैं, लेकिन हम और आप उस आय वर्ग में नहीं है ना। हो सकता है कि लॉटरी टिकट खरीदना उनके जीवन में एकमात्र ऐसा अवसर हो जब वो अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप इस तर्क से सहमत हों, लेकिन ये समझना जरूरी है कि इन टिकटों की इतनी बिक्री क्यों होती है। ये और कुछ नहीं बल्कि धन का मनोविज्ञान ही तो है। हमारी ये तर्क संगत चर्चा चलती रहेगी, आपका साथ भी बना रहे। भाग्य और जोखिम। नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। जी हाँ, अपनी और दूसरों की दोनों प्रकार की सफलता की बात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना वो प्रतीत होता है। ऐसा मानना है न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी यानी NYU के प्रोफेसर स्कॉट गैलवे का। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है जाने माने लेखक और फाइनेंस एक्सपर्ट मॉर्गन हाउसल की लिखी हुई किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। इस किताब में उन्होंने विस्तार से और कई कहानियों के माध्यम से ये बताया है कि धन संपदा के ज्ञान और मनोविज्ञान को कैसे समझा जाए। उन्हीं के शब्दों में, हम सभी पैसे के साथ काफी बेवकूफी वाली हरकतें करते हैं क्योंकि हम सभी इस खेल के लिए अपेक्षाकृत नए हैं। हो सकता है जो आपको पागल लगता है वो मुझे समझ में आ रहा हो। हम सभी अपने अनूठे अनुभवों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो हमें एक निश्चित क्षण में ही समझ आता है। आइए आपको बिल गेट्स की कहानी सुनाता हूँ। भाग्य और जोखिम यानी लक एंड रिस्क मानो भाई बहन हो। ये सच है कि जीवन में प्रत्येक परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य शक्तियों द्वारा भी निर्देशित होता है। ये समझ लीजिए कि आप जो खेल खेल रहे हैं जिसमें आपके अलावा दुनिया भर के करीब 7 अरब लोग भी हैं, तो इस खेल में भाग्य आपका कितना साथ देता है और आप कितना जोखिम उठाते हैं ये बहुत अहम है। आइए जानते हैं बिल गेट्स और उनके हाई स्कूल दोस्त केंट इवांस की एक बहुत ही रोचक कहानी। भाग्य देखिए, बिल दुनिया के इकलौते ऐसे हाई स्कूल लेक साइड हाई स्कूल में पढ़ने गए जहाँ एक कंप्यूटर मौजूद था। अधिकांश विश्वविद्यालय स्नातक स्कूलों में कहीं भी उतना उन्नत कंप्यूटर नहीं था जितना बिल गेट्स के पास 8वीं कक्षा में था। गेट्स जब 13 साल के थे तब उनकी मुलाकात सहपाठी पॉल एलन से हुई। एलन को भी स्कूल के कंप्यूटर का ही जुनून था। बिल और पॉल अपनी फुर्सत के सभी पल उस कंप्यूटर के साथ बिताने लगे और जल्दी ही कंप्यूटिंग विशेषज्ञ बन गए। बिल को इस बात का बहुत गर्व है कि उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए जिस स्कूल को चुना वहां कंप्यूटर खरीदने के लिए पैसे भी थे और दूरदर्शिता भी। अपनी कंपनी का पूरा श्रेय वो अपने स्कूल को देते हैं। उन्होंने 2005 में स्कूल की स्नातक कक्षा को बताया, अगर कोई लेकसाइड नहीं होता तो कोई माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता। सारी दुनिया जानती है कि गेट्स बहुत स्मार्ट और मेहनती हैं, और एक किशोर के रूप में कंप्यूटर को लेकर उनका जो सपना था वो उसे माइक्रोसॉफ्ट के जरिए पूरा करने में सक्षम हुए। अब मैं आपको गेट्स के दोस्त
केंट इवांस के बारे में बताता हूँ। जहाँ गेट्स के लिए भाग्य ने बहुत बड़ा रोल निभाया, वहीं केंट ने भाग्य के बेहद करीबी जोखिम के समान रूप से शक्तिशाली खुराक का अनुभव किया। केंट के साथ अपनी दोस्ती को याद करते हुए गेट्स वापस उस उम्र में चले जाते हैं। हम साथ कॉलेज जाते थे और मुझे यकीन था कि एक दिन हम साथ काम करते। केंट गेट्स और एलन के साथ माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर या पार्टनर भी हो सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हाई स्कूल में स्नातक होने से पहले एक पर्वतारोहण दुर्घटना में केंट की मृत्यु हो गई। जरा सोचिए कि हाई स्कूल में एक पहाड़ पर मारे जाने की संभावना लाखों में एक होती है। वहीं बिल गेट्स ने लेक साइड हाई स्कूल जाकर लाखों में से एक भाग्य का अनुभव किया। उतना ही बल, वही नतीजा, लेकिन विपरीत दिशाएं। भाग्य और जोखिम दोनों ही इस बात के गवाह हैं। लेकिन जीवन में प्रत्येक परिणाम व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य शक्तियों द्वारा भी निर्देशित होता है। दुनिया में हर बिल गेट्स के लिए एक केंट इवांस है जो कुशल और प्रेरित था, लेकिन जीवन चक्र पूरा होने से बहुत पहले ही समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि जब आप अपने लक और रिस्क को बराबर का मान देंगे, आपको पता लगेगा कि वित्तीय सफलता, चाहे वो आपकी हो या दूसरों की, वो कभी भी इतनी अच्छी या बुरी नहीं होती जितना नजर आती है। इस किताब की समरी में हम आगे जानेंगे कि सफल परिणामों में भाग्य की क्या भूमिका होती है। उम्मीद है आप भी हमारी इस चर्चा का हिस्सा बने रहेंगे। लक बाय चांस। वर्षों पहले जब अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर से पूछा गया कि आप निवेश के बारे में क्या जानना चाहते हैं जिसे हम नहीं जान सकते, तो उन्होंने उत्तर दिया, द एग्जैक्ट रोल ऑफ लक इन अ सक्सेसफुल आउटकम, यानी सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका। वास्तव में कोई नहीं सोचता कि भाग्य वित्तीय सफलता में क्या भूमिका निभाता है, और चूंकि भाग्य को मापना मुश्किल है और जो लोग सफल होते हों उनसे ऐसा कहना थोड़ा गलत लग सकता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट हम अक्सर सफलता का श्रेय देने में भाग्य की बात नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और आप हैं मेरे साथ मॉर्गन हाउजल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की चर्चा में। आइए समझते हैं इस किताब का सार उन्हीं के शब्दों में। हम सरल कहानियों को पसंद करते हैं जो समझने में आसान होती हैं, लेकिन वो कई बार हमें भटका देती हैं। निवेशकों और कारोबारियों के साथ कई बरस बिताने के बाद मुझे पता चला कि किसी और की विफलता का ठीकरा बुरे फैसलों के सर फोड़ा जाता है, जबकि आपकी खुद की विफलताएं आमतौर पर इसलिए होती हैं क्योंकि आपने एक जोखिम भरा फैसला लिया। आप कभी भी फोर्ब्स मैगजीन के कवर पर उन गरीब निवेशकों को नहीं पाएंगे जिनके निर्णय तो अच्छे थे लेकिन जोखिम उठाने के कारण भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन ये मैगजीन लगभग निश्चित रूप से उन अमीर निवेशकों का जश्न मनाती है जिन्होंने सामान्य या लापरवाह निर्णय लिए पर भाग्यशाली रहे और सफल हो गए। डर इस बात का है कि हम सभी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि पैसे से क्या काम करता है और क्या नहीं, कौन सी निवेश रणनीतियां काम करती हैं और कौन सी नहीं, कौन सी व्यावसायिक रणनीतियां काम करती हैं और कौन सी नहीं, आप अमीर कैसे बनते हैं, आप गरीब होने से कैसे बचते हैं। ये सब वो सवाल हैं जो लगातार हमारे जहन में आते हैं और जवाब की तलाश में हम भटकते रहते हैं। सफलताओं और असफलताओं को देखकर हम ये कहते हैं, इसने जो किया वो करो, जो उसने किया उससे बचो। अगर हमारे पास जादू की छड़ी होती ना, तो हमें पता चलता कि इन परिणामों का अनुपात उन कार्यों के कारण होता है जो दोहराने योग्य होते हैं। लेकिन हमारे पास जादू की छड़ी तो है नहीं, हमारे पास दिमाग है जो आसान उत्तर पसंद करता है। इसलिए जिन लक्षणों का हमें अनुकरण करना चाहिए या उनसे बचना चाहिए, उनकी पहचान करना बहुत कठिन हो सकता है। आइए अब एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनते हैं जो बिल गेट्स की ही तरह बहुत सफल रहा, लेकिन जिसकी सफलता का श्रेय सिर्फ भाग्य को या कौशल को देना मुश्किल है। कोर्नेलियस वैंडरबिल्ट उन दिनों अपने रेल साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे। उनके कुछ व्यापारिक सौदे अभी पूरे हो रहे थे
कि उनके एक सलाहकार ने उनके पास आकर कहा कि उन्होंने कारोबारी लेन देन के लिए कानून तोड़ने तक की सहमति दी है। वैंडरबिल्ट का जवाब था, क्या आप जानते नहीं कि न्यूयॉर्क राज्य के अनुसार तो आप रेल मार्ग चला ही नहीं सकते। इसे पढ़कर मेरा पहला विचार था, शायद इस रवैये के कारण ही वो इतने सफल रहे, जबकि ये कोई शान की बात नहीं है। वैंडरबिल्ट बेतहाशा सफल होने के साथ साथ कानून की धज्जियां उड़ाने वाले के नाम से भी जाने गए। मुझे कानून की क्या परवाह, वैंडरबिल्ट ने एक बार कहा था, क्या मेरे पास शक्ति नहीं है। यहाँ बोल्ड और लापरवाह के बीच की रेखा ना बहुत महीन है। भाग्य क्या है, कौशल क्या है और जोखिम क्या है, यह हल करना आसान नहीं है, लेकिन दो चीजें आपको बेहतर दिशा की ओर ले जा सकती हैं, और वो है, हमेशा ध्यान रहे कि आप किसकी प्रशंसा करते हैं और वैसा बने, और सावधान रहें कि आप किसे नीचा देखते हैं और उन जैसा बनने से बचना चाहते हैं। जब चीजें बहुत अच्छी चल रही हो ना, तो जान लें कि ये उतना अच्छा नहीं है जितना आप सोचते हैं। दूसरी ओर सब गलत हो रहा हो तो भी यही समझें, कुछ भी उतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना लगता है। आगे की कहानियों में चर्चा होगी उन दो आदमियों की जिन्होंने अपनी किस्मत को अपनी काबिलियत से आगे बढ़ाया। आप भी जुड़े रहिएगा हमारे साथ। एक मकबरा, अब उसके लिए काफी है जिसके लिए पूरी दुनिया काफी नहीं थी। जी हाँ, यही लिखा है अलेक्जेंडर द ग्रेट की कब्र पर, और इससे बड़ी सच्चाई और कोई हो ही नहीं सकती। हम सारी जिंदगी बस कुछ और के पीछे भागते हुए गुजार देते हैं, बिना ये सोचे कि क्या हमारे पास जो है वो काफी नहीं। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है रुपए, पैसे, धन संपत्ति से जुड़ी उन तमाम बातों की जो हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद कर सके। बात हो रही है मॉर्गन हाउसल की लिखी बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। हमारे समाज के सबसे धनी और शक्तिशाली लोगों के लिए आज जो पर्याप्त है उसकी कोई सीमा नहीं है। अमीर बनने के लिए सीमाओं को समझने की जरूरत है, और ये जानना भी जरूरी है कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। आइए इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं दो बेहद अमीर लोगों की शानदार कहानियों के जरिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने और अधिक पाने की खोज में अपना सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास पर्याप्त या काफी नहीं है। तो शुरू करें। पहला उदाहरण रजत गुप्ता का है। रजत का जन्म भारत के एक शहर कोलकाता की मलिन बस्तियों में हुआ था, और किशोरावस्था में ही वो अनाथ हो गए। अपनी छोटी सी शुरुआत के बाद कुछ ही सालों में वो दुनिया की एक बेहद प्रतिष्ठित फर्म के सीईओ बन गए। 2008 में उनके पास 100 मिलियन डॉलर से अधिक संपत्ति थी। वो उस तरह के पैसे से कुछ भी कर सकते थे, पर शायद वो पैसा उनके लिए काफी नहीं था। अब वो एक अरबपति बनना चाहते थे। फिर एक ऐसा मौका आया जब रजत ने अपनी कंपनी की गोपनीय जानकारी के जरिए बाजार से बहुत सारे शेयर्स खरीदे और रातों रात अरबपति बन गए। इस तरह इनसाइडर टिप्स का इस्तेमाल करते हुए रजत ने 1.7 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा कमाया, जबकि वो ये जानते थे कि यह अपराध है। रजत और उनके सहयोगी को इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में जेल हुई, साथ ही उनका पैसा, करियर और प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो गए। आइए अब सुनते हैं दूसरी कहानी, जो है बर्नी मैडोफ की कहानी। मैडोफ का नाम धोखाधड़ी की दुनिया में बदनाम है। चार्ल्स पोंजी की तरह वो भी पोंजी स्कीम्स के महारथी थे। उन्होंने अपनी योजनाओं के जरिए कई निवेशकों को ठगा। इस तरह लंबे समय तक धोखा देकर उन्होंने बेइंतहा पैसा कमाया, लेकिन एक दिन उन्हें भी जेल की हवा खानी पड़ी। मैडोफ ने दिसंबर 2008 में दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने स्वीकार किया कि उनका इन्वेस्टमेंट बिजनेस एक मल्टी-बिलियन-डॉलर पोंजी स्कीम है। उन्हें मार्च 2009 में दोषी ठहराया गया और 150 साल कैद की सजा दी गई, और इसी साल अप्रैल के महीने में उनकी जेल में मृत्यु हो गई। क्या जानते हैं कि इस धोखाधड़ी से पहले रजत गुप्ता की तरह वो भी एक सफल व्यवसायी थे, पर वैध रूप से सफल और धनी होने के बावजूद इन दोनों ने ही गलत रास्ता चुना। सवाल ये उठता है कि रजत और मैडोफ जैसे लोग जिनके पास पहले से ही करोड़ों की संपत्ति हो, आखिर इतने हताश क्यों होंगे कि अपने लालच के लिए सब कुछ जोखिम में डाल दें?
लाचारी या गरीबी में किया गया अपराध इससे अलग है। अपना सब कुछ यूं दांव पर लगाना सिर्फ मूर्खता है। ये सच है कि ये काफी दुर्लभ और अनोखे मामले हैं। हम में से हर कोई शायद इससे संबंधित भी ना हो, लेकिन इन कहानियों से हमें ये सीख मिलती है कि हमें पर्याप्त होने के महत्व को समझना चाहिए। मनी ऑफन कॉस्ट्स टू मच, यानी पैसा अक्सर बड़ी कीमत चुकाने पर मिलता है। राल्फ वाल्डो एमर्सन की कही ये बात यहाँ 16 आने सच बैठती है। साथ ही बेंजामिन फ्रैंकलिन की कही ये बात भी कि पैसे ने अभी तक इंसान को कभी खुश नहीं किया है और ना ही करेगा। मनुष्य के पास जितना अधिक होता है वो उतना ही अधिक चाहता है। पैसा एक वैक्यूम भरने के बजाय एक वैक्यूम बनाता है, और ये वही बेंजामिन फ्रैंकलिन है जिन्हें स्टेट्समैन, इन्वेंटर, डिप्लोमैट और अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स होने का दर्जा हासिल है, और जिनकी तस्वीर $100 के बिल पर छपी है। ये चर्चा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, आप बने रहें हमारे साथ। क्या ये काफी नहीं? भाग दो। एक सुखी जीवन जीने के लिए हम क्या मांग सकते हैं? शांति और संतुष्टि से जीने के लिए हमें कितने पैसे चाहिए? वो कितना हो जो हमारे लिए काफी हो? हमें किस हद तक कमाना चाहिए? क्या है उसकी सीमा? ये बहुत सारे सवाल अक्सर मन में उठते हैं, और इसका जवाब है मॉर्गन हाउसल की लिखी इस पुस्तक में जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, यानी धन का मनोविज्ञान। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी, और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक और मजेदार किस्से के साथ। शेल्टर आइलैंड पर एक अरबपति द्वारा दी गई एक पार्टी में कर्ट वॉनगुट ने अपने दोस्त जोसेफ हेलर को बताया कि उनके मेजबान, जो कि एक हेज फंड मैनेजर हैं, ने एक ही दिन में हेलर की तुलना में इतना पैसा कमाया जो कि हेलर ने अपने लोकप्रिय उपन्यास कैच 22 से अभी तक अर्जित किया हो। तो जानते हैं हेलर ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, हाँ हो सकता है, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। पर्याप्त, यानी इनफ, उस एक सरल शब्द में जीवन की सच्चाई छुपी थी। हम में से कितने लोग करोड़पति या अरबपति होंगे, गुप्ता या मारोफ की तरह? लेकिन इस पुस्तक को पढ़ने वाले कई लोग अपने जीवन में इतना जरूर कमा लेंगे कि उनके पास अपनी जरूरत की हर उचित चीज और बहुत कुछ जो वो चाहते हैं को कवर करने के लिए पर्याप्त धन होगा। यदि आप उनमें से एक हैं, तो याद रखें कुछ बातें। अपने लिए बनाए गए लक्ष्य को हासिल करें, न कि उसे लगातार आगे बढ़ाते रहें। यदि हर परिणाम के साथ अपेक्षाएं बढ़ाते जाएंगे तो कितना भी प्रयास कर लें, हमेशा असंतुष्ट महसूस करेंगे। आधुनिक पूंजीवाद से ये दो बातें तय हैं, धन पैदा करना और ईर्ष्या पैदा करना, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अपने साथियों से आगे निकलने की इच्छा आपकी कड़ी मेहनत के लिए ईंधन हो सकती है, लेकिन पता रहे कि आपके लिए पर्याप्त क्या है। सामाजिक तुलना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई व्यक्ति कितना भी पैसा कमा ले, उसे समाज में किसी और से तुलना करने पर हमेशा कम ही लगेगा। एक खिलाड़ी अच्छे खासे वेतन से शुरू कर सकता है, जिसे किसी भी परिभाषा से समृद्ध माना जाएगा अगर इसकी तुलना एक नियमित व्यक्ति से की जाए तो। वहीं दूसरी ओर, यदि आप इसकी तुलना बिल गेट से या वॉरेन बफेट जैसे किसी व्यक्ति से करते हैं, तो वो एक घंटे में इतना कमा लेते हैं जितना एक खिलाड़ी पूरे वर्ष में। सामाजिक तुलना एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी भी जीता नहीं जा सकता है, या इसे जीतने का एकमात्र तरीका यह है कि शुरू से ही न लड़ें। बस स्वीकार करें कि आपके पास जितना है पर्याप्त है, भले ही वो आपके आसपास के लोगों से कम क्यों ना हो। काफी का मतलब कम नहीं होता। काफी होने का विचार रूढ़िवाद की तरह लग सकता है। अवसर और क्षमता को छोड़ना भी तो सही नहीं है ना, पर जरूरी है आपका एक ऐसी जगह पर आना जहां आपको एहसास हो कि अब आपको और अधिक पैसे को ना कहने की जरूरत है। आपके पास काफी है, चाहे आप अपने काम में बुरी तरह थक चुके हों, या निवेश में भारी जोखिम उठाने के कगार पर हों, या लालच में आकर चोरी या बेईमानी करने वाले हों।
कब आपके पास काफी है ये केवल आप ही को तय करना है। ऐसी कई चीजें हैं जो कभी भी जोखिम में डालने लायक नहीं होती हैं, चाहे उसके लाभ कुछ भी क्यों ना हो। जीवन में कुछ चीजें बस अमूल्य हैं। आपकी प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, परिवार, दोस्त, खुशी, अपनों का प्रेम और स्नेह, ये कुछ चीजें हैं जिन्हें पैसों से नहीं आंका जा सकता। इन सब को संजोए रखने में आपकी सबसे बड़ी समझदारी इस बात को जानने में है कि खुद को जोखिम लेने से रोकने का समय कब है। आपका हर वो कदम जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है वो नहीं उठाना है। साधारण शब्दों में कहें तो बस ये जानना है कि आपके पास कब पर्याप्त है। वो कहावत है ना, आपकी दौलत का असली पैमाना ये है कि अगर आपने अपना सारा पैसा गवा दिया तब भी आप कितने कीमती हैं। तो दोस्तों, धन संपत्ति के मनोविज्ञान को समझना अभी बाकी है। आप भी बने रहें हमारे साथ। लंबे समय की बचत और निवेश। वॉरेन बफे की एक बहुत ही मशहूर कहावत है, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे मत बचाओ, बल्कि बचत करने के बाद जो बचा है उसे खर्च करो। और इस एक वाक्य में खर्च और बचत का पूरा गणित छुपा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं जाने माने फाइनेंस जर्नलिस्ट मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। आज के इस भाग में चर्चा होगी कि किस तरह छोटी छोटी पर लंबे समय तक की गई बचत और उसके सही निवेश से कितने विशाल परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आइसेज को ही ले लीजिए। इतनी अधिक मात्रा में वो बर्फ रातों रात तो नहीं जम गई होगी, है ना? शुरुआत तब से हुई जब गर्मी कभी भी इतनी गर्म नहीं हुई कि पिछली सर्दियों की बर्फ को पिघला सके, और उस बची हुई बर्फ पर अगली सर्दियों में बर्फ जमा होना और आसान हो गया, जिससे आने वाली गर्मियों में बर्फ के चिपके रहने की संभावना बढ़ती चली गई, जो अगली सर्दियों में और भी अधिक बर्फ को आकर्षित करती चली गई। बस यही चक्र चलता रहा। सोचिए कैसे परिस्थितियों में अपेक्षाकृत छोटे से बदलाव से कोई चीज कितनी बड़ी हो सकती है। जो एक गर्मी से बची हुई बर्फ की एक पतली परत से शुरू हुआ, वो एक दिन एक पूरा का पूरा ग्लेशियर बन गया। हिमयुग से पता चलता है कि हमें किसी जबरदस्त परिणाम के लिए कोई बहुत जबरदस्त शक्ति की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में करीब 2000 से अधिक पुस्तकें हैं जिनमें बताया गया है कि कैसे वॉरेन बफे ने अपना भाग्य बनाया। उनमें से कई पुस्तकें बहुत कमाल की लिखी गई हैं, लेकिन लोग सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि उन्होंने क्या हासिल किया, ये नहीं कि उन्होंने बरसों मेहनत की और बहुत कम उम्र से ही अपनी बचत को निवेश करना शुरू कर दिया था। उनकी अधिकतर संपत्ति उनके 50वें जन्मदिन के बाद जुड़ पाई थी, और यही उनकी सफलता की असली कुंजी है। अगर यही काम उन्होंने 30 साल की उम्र में शुरू किया होता और 60 की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते तो शायद हमने उनके बारे में सुना भी ना होता। देखा जाए तो वॉरेन बफे की सारी सफलता अपनी जवानी के वर्षों में बनाए गए वित्तीय आधार और अपनी अधेड़ अवस्था में उसे बनाए रहने की वजह से हुई। उनका कौशल निवेश करना जरूर है, पर उनका रहस्य समय है। इस तरह से कंपाउंडिंग काम करती है, किसी भी चीज को बस जोड़ते चले जाना। बफे की सफलता को बयान करने वाली 2000 पुस्तकों में से किसी का भी शीर्षक दिस गाय हैज बीन इन्वेस्टिंग कंसिस्टेंटली फॉर 3/4 ऑफ अ सेंचुरी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि उनके अधिकांश सफलता की कुंजी यही है। इस गणित को समझना मुश्किल है क्योंकि ये सहज नहीं है। आर्थिक चक्रों, व्यापारिक रणनीतियों और क्षेत्र के दाव पर तो ढेरों किताबें हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण पुस्तक को शट अप एंड वेट कहा जाना चाहिए। चुप रहें और इंतजार करें, क्योंकि जो कुछ भी जल्दी से हासिल होता है वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता। ये मान लीजिए कि यह आपके आर्थिक विकास के लॉन्ग टर्म चार्ट का सिर्फ एक पृष्ठ है। व्यावहारिक निष्कर्ष ये है कि बहुत से निवेश के प्रयास अधिकांश निराशाजनक ट्रेंडों, खराब रणनीतियों और असफलता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। हर कोई अपने लिए सबसे अधिक निवेश रिटर्न अर्जित करने की कोशिश करता है, ये सोच सही भी है। इसके लिए हम उन लोगों को दोष नहीं दे सकते जो अपने सभी प्रयासों को इसके लिए समर्पित करते हों। उन्होंने यही सीखा है और वो इसी का प्रयास करते हैं। ये सहज रूप से अमीर बनने का सबसे अच्छा तरीका लगता है,
लेकिन जरूरी नहीं कि अच्छा निवेश हर बार सबसे ज्यादा रिटर्न अर्जित करने के बारे में ही हो। कई बार ये उच्चतम रिटर्न एक ही बार सफल होता है, जिसे दोहराया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ कंपाउंडिंग यानी धीरे धीरे पर लंबे समय तक जोड़ा गया निवेश बहुत अच्छा रिटर्न अर्जित करने में सफल रहता है। आप इसके साथ टिके रह सकते हैं और इसे लंबे समय तक दोहराया जा सकता है। वहीं इसके विपरीत कम समय में भारी रिटर्न अर्जित करना की सोच के पीछे कुछ दुखद कहानियां हैं, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। धनवान बने और बने रहें। धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और ऐसा करने के बारे में बहुत सारी किताबें भी हैं, लेकिन धनवान बने रहने का एक ही तरीका है, थोड़ा कम खर्चा करें और साथ ही ये डर पालें कि ये धन कभी भी समाप्त हो सकता है। अगर आपके मन में ये दोनों ख्याल रहेंगे तो स्थिति कभी भी हाथ से नहीं निकलेगी। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए जानते हैं दो ऐसे निवेशकों की कहानी जो एक दूसरे को जानते नहीं थे, लेकिन जिनके रास्ते लगभग एक सदी पहले टकराए जरूर थे। 1877 में जन्मे जेसी लिवरमो अपने समय के सबसे सफल निवेशक और व्यापारी थे। ये उस समय की बात है जब ज्यादातर लोग इस काम के बारे में जानते भी नहीं थे। 30 साल की उम्र तक उनके पास $100 मिलियन की संपत्ति जुड़ चुकी थी। 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश ने, जबकि ग्रेट डिप्रेशन की शुरुआत हुई, इतिहास में उनकी विरासत को और मजबूत कर दिया। लिवरमोर की पत्नी डॉरथी को सबसे ज्यादा डर तब लगा जब 29 अक्टूबर को वो घर लौटे। वॉल स्ट्रीट सट्टेबाजों की आत्महत्या करने की खबरें पूरे न्यूयॉर्क में फैल रही थी। जाहिर है वो इन सब खबरों से बहुत परेशान थी। तभी जेसी ने बताया कि उनकी अच्छी किस्मत और समझ से वो सिर्फ गिरते हुए स्टॉक पर पैसा लगा रहे थे और उस एक ही दिन में उन्होंने $3 बिलियन की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे काले महीने में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन गए थे। जब उनका परिवार इस अद्भुत सफलता का जश्न मना रहा था, वहीं एक और आदमी भयानक निराशा में डूबा वॉल स्ट्रीट की गलियों में अपनी किस्मत का रोना रो रहा था। अब्राहम ज़रमांस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, जिन्होंने बाजार की गतिविधियों को देखते हुए बढ़ते हुए शेयर पर बहुत सारा पैसा लगाया। उनका लगाया ये दांव असफल रहा, उनका सब कुछ बर्बाद हो गया और वो आखिरी बार वॉल स्ट्रीट की गलियों में अकेले भटकते नजर आए। वो दिन उनके जीवन का आखिरी दिन था। अक्टूबर 1929 की घटना ने जेसी लिवरमोर को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बना दिया। इसने अब्राहम ज़रमांस्की को बर्बाद कर दिया, शायद उनकी जान ले ली। लेकिन समय तेजी से बीता और ठीक 4 साल बाद इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया। 1929 में किस्मत बदलने के बाद लिवरमोर ने आत्मविश्वास से भरपूर और बड़े बड़े दाव लगाए। इस बार किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और वो कर्ज में डूबते चले गए और अंततः उसी शेयर बाजार में उन्होंने सब कुछ खो दिया। बुरी तरह से टूटे हुए और शर्मिंदा वो 1933 में 2 दिनों के लिए गायब हो गए। दुखी मन से एक दिन लौट कर भी आए, पर उनका रास्ता तय था। लिवरमोर ने अंततः एक दिन अपनी जान ले ली। दोनों का समय अलग था, लेकिन ज़रमांस्की और लिवरमोर एक जैसे ही निकले। दोनों ही अमीर बनने में बहुत अच्छे निकले और अमीर बने रहने में उतने ही बुरे थे। पैसा कमाना एक बात है, इसे संभाल कर रखना दूसरी बात है। सर्वाइवल यानी बने रहने के लिए एक अलग ही मानसिकता को वास्तविक दुनिया में लागू करना पड़ता है। और आप भी अपने लिए ये 3 गुर सीखें। पहला, अगर मुझे बड़ा रिटर्न चाहिए तो जरूरी है कि उससे ज्यादा मैं आर्थिक रूप से अटूट रहूं, और अगर मैं अटूट हूं तो मुझे वास्तव में लगता है कि मुझे सबसे बड़ा रिटर्न मिलेगा, क्योंकि मैं कुछ अद्भुत निवेश करके कंपाउंडिंग के सहारे काफी देर तक टिक सकूंगा। दूसरा, योजना बनाना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा योजना के अनुसार योजना न बनाना है, क्योंकि कई बार हमें कुछ और चाहिए होता है पर हमारे भाग्य में कुछ और ही लिखा होता है। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो आपको भविष्य के बारे में आशावादी तो रखे, साथ ही पागलपन की हद तक आपको हर हाल में उस ऊंचाई तक पहुँचाए। तो ये मान लिया जाए कि एक मानसिकता जो एक ही समय में पागल और आशावादी हो सकती है, उसे बनाए रखना बहुत मुश्किल है। किसी भी चीज को काले या सफेद के रूप में देखने में बारीकियों को स्वीकार करने की तुलना में कम प्रयास लगता है। जी हाँ,
काफी गंभीर रहा ये सार, पर चर्चा अभी बाकी है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। Deals you win, गलत होने पर भी सफल होना। दोस्तों, हमारी आकाश गंगा में कई अरब ग्रह हैं, और जहां तक हम जानते हैं सिर्फ पृथ्वी ही है जहां एक बुद्धिमान जीवन है। इस संसार में जो कुछ भी विशाल, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रतिभाशाली है, वो एक टेल इवेंट का परिणाम है, हजारों या लाखों सालों की घटना के अंत के छोटे से बिंदु का परिणाम। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी, और हम बात कर रहे हैं मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की। आज की चर्चा का विषय है किस तरह हम कई बार गलत होने के बाद भी सफल हो सकते हैं। जी, आइए जानते हैं कि ये कैसे संभव है। काम करने के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आपको हर बार परफेक्ट होना होगा, जैसे विमान उड़ाना। इस काम में ढिलाई नहीं चल सकती, हमेशा सही निर्णय लेने होंगे। फिर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि रेस्टोरेंट शेफ बनना, जहां आपके लिए कम से कम कुछ समय बहुत अच्छा निर्णय लेना जरूरी है। कभी कुछ गड़बड़ हो भी जाए तो चलेगा, लेकिन निवेश, व्यापार और वित्त इन क्षेत्रों की तरह नहीं है। निवेशक और उद्यमी हर वक्त अच्छे और सही निर्णय ले ही नहीं सकते। चाहे वो कितने ही प्रभावशाली लोग हों, उनके दिमाग में कई बार बेकार के विचार आ ही जाते हैं। वॉरेन बफे की कुल संपत्ति की जानकारी पाना आसान है, और ये जानकारी भी आम है कि उनका सबसे अच्छा, सबसे उल्लेखनीय निवेश कौन सा था। लेकिन उनके करियर में किए गए प्रत्येक निवेश के पीछे के कारण जानना बहुत कठिन है। उनके किए हुए खराब चुनाव, खराब कारोबार, खराब अधिग्रहण के बारे में कोई भी बात नहीं करता, जबकि ये असफलताएं भी बफे की कहानी का एक बड़ा हिस्सा है। जब हम रोल मॉडल की सफलताओं पर विशेष ध्यान देते हैं और इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं कि उनका लाभ उनके कार्यों के एक छोटे प्रतिशत से आया है। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर धारक बैठक में वॉरेन बफे ने कहा कि उनके पास अपने जीवन के दौरान 400 से 500 स्टॉक्स हैं, और जिनमें से सिर्फ 10 पर उन्होंने अपना अधिकांश पैसा बनाया है। उसी बैठक में चार्ली मुंगेर ने कहा, यदि आप बर्कशायर के कुछ शीर्ष निवेशों को हटा देते हैं तो इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफी औसत है। हो सकता है कि वो जब सही थे तो वो बहुत सही थे, लेकिन वो उतने गलत हो सकते थे जितने कि आप। वहीं जॉर्ज सोरोस ने एक बार कहा था, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप सही हैं या गलत, लेकिन जरूरी ये है कि जब आप सही होते हैं तो आप कितना पैसा कमाते हैं, और जब आप गलत होते हैं तो आप कितना पैसा खो देते हैं। आप आधा समय गलत हो सकते हैं और फिर भी भाग्य बना सकते हैं। ऐसे कई और उदाहरण हैं जहां उनके काम के 10% से कम की सफलता ने शेष 90% की विफलताओं पर काबू पा लिया। हॉलीवुड के जाने माने अभिनेता ब्रैड पिट ने अपने स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड को स्वीकार करते हुए कहा, मैं 30 साल से इस बात के लिए कोशिश कर रहा हूं। आज मुझे यकीन हो गया है कि सरल सा गणित है, कुछ परियोजनाएं काम करती हैं और कुछ नहीं करती हैं। किसी एक पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं है, ना ही किसी को बुरा समझने का। अगर एक प्रोजेक्ट काम ना करे तो बस अगले पर बढ़ जाओ। जब हम ये मान लेते हैं कि टेल एंड यानी अंतिम छोर से ही व्यापार, निवेश और वित्त में सब कुछ चलता है, तो आप महसूस करते हैं कि बहुत सी चीजों का गलत होना, टूटना, असफल होना और गिरना बहुत सामान्य है। यदि आप एक अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आप शायद आधा समय सही होंगे। यदि आप एक अच्छे बिजनेस लीडर हैं तो शायद आपके आधे उत्पाद और रणनीति के विचार ही काम करेंगे। यदि आप एक अच्छे निवेशक हैं तो अधिकांश वर्ष ठीक रहेंगे, लेकिन बहुत कुछ खराब होगा। यदि आप एक अच्छे कर्मचारी हैं तो आपको कई प्रयासों के बाद सही क्षेत्र में नौकरी मिल जाएगी। पीटर लिंच का कहना है कि यदि आप इस व्यवसाय में बहुत अच्छे हैं तो आप 10 में से 6 बार सही हैं। ये समझना महत्वपूर्ण है कि आप कितनी भी बार असफल हों या निराशाओं का सामना करें, इस सब की भरपाई उस एक सफल घटना से की जा सकती है जिसे आप प्राप्त करते हैं। जरूरी है कोशिश करते रहना और विश्वास करते रहना। जरा सोचिए कि हम जिन चीजों पर ध्यान देते हैं उनमें से अधिकांश सिर्फ एक पूंछ जैसे अंतिम छोर का परिणाम होते हैं, तो वो कितने दुर्लभ और शक्तिशाली होंगे। ये इतना गहरा विषय है जिसकी कोई सीमा नहीं, इसलिए ये चर्चा यूं ही चलती रहेगी। आप भी बने रहिए हमारे साथ। समय पर नियंत्रण। धन का सबसे अच्छा स्वरूप हर सुबह उठकर ये कहने में है,
मैं आज जो चाहूं वो कर सकता हूं, कुछ भी कर सकने की आजादी। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। हेलो दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है एक बेहद खास किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बेहद खास मुकाम की, अपनी सफलता और समय पर अपना नियंत्रण। लोग खुद को खुश करने के लिए अमीर बनना चाहते हैं। खुशी एक जटिल विषय है क्योंकि हम सब अलग हैं और सबकी खुशियां भी अलग हैं, लेकिन सभी को खुश होने के लिए जो एक कॉमन चीज चाहिए वो यह है कि लोग अपने जीवन को काबू में करना चाहते हैं। जो आप चाहते हैं, जब आप चाहते हैं, जिसके साथ आप चाहते हैं, जब तक आप चाहते हैं, करने की क्षमता अमूल्य है। यही आपकी कमाई का सबसे बड़ा डिविडेंड है। यहाँ लेखक अपने जीवन से एक शानदार उदाहरण देते हैं। वो एक निवेश बैंकर बनना चाहते थे, लेकिन इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि इसमें अच्छा पैसा है। उन्होंने लॉस एंजलिस में एक निवेश बैंक में 4 महीने की इंटर्नशिप करके अपने सपने को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन 1 महीने के बाद ही उन्होंने नौकरी छोड़ दी। उन्हें काम के वो असहनीय घंटों की संख्या मंजूर नहीं थी। उनका अपने समय पर कोई नियंत्रण नहीं था और अनावश्यक रूप से लंबे समय तक काम करने के लिए कहा जाना पसंद नहीं था। सरल भाषा में कहें तो वो खुश नहीं थे। मिशिगन विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानिक एंगस कैंपबेल कहते हैं, आपके जीवन पे खुद का नियंत्रण किसी भी चीज से बेहतर है, चाहे वो आपका भारी भरकम वेतन हो, या आपके घर का आकार, या आपकी नौकरी की प्रतिष्ठा। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, उस पर नियंत्रण होने से ही लोगों को बहुत खुशी मिलती है। यहाँ संदेश यह है कि आप अपने पैसे कमाने के लिए क्या करते हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि ये कि आप कितना पैसा कमाते हैं। पुराने समय में किसान या मजदूर की नौकरी में शारीरिक श्रम, सीमित घंटे और कम वेतन हुआ करता था, पर आज हमारे पास जिस तरह की पेशेवर नौकरियां हैं उनमें आपको प्रबंधकों की तरह अपने हाथों से अधिक अपने दिमाग का इस्तेमाल करने की जरूरत है। यदि आपका काम कारों का निर्माण करना है तो जब आप असेंबली लाइन पर नहीं होते हैं ना, तो आप कुछ नहीं कर पाते क्योंकि आप काम से दूर होते हैं और आपके उपकरण वहीं कारखाने में रखे रह जाते हैं। लेकिन अगर आपका काम एक मार्केटिंग प्लान बनाना है, एक विचार आधारित और निर्णायक कार्य, तो आपका उपकरण है आपका दिमाग, जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ता। आप अपनी यात्रा के दौरान अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हैं, खाना बनाते समय, बच्चों को सुलाते समय, और रात में जब भी आपकी आंख खुले आप उसी तनाव में हो सकते हैं। देखा जाए तो साल 1950 की तुलना में आपका काम शायद कम घंटों का हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आप 2400 घंटे सातों दिन काम कर रहे हैं। तभी कहते हैं कि अपने समय को नियंत्रित कर पाना ही अपने धन का सबसे बड़ा लाभांश है। एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। इसे मैन इन द कार विरोधाभास कहा जाता है। जब आप किसी को अच्छी कार चलाते हुए देखते हैं तो आप शायद ये नहीं सोचते, वाह उस कार को चलाने वाला आदमी अच्छा है, बल्कि आप सोचते हैं, वाह अगर मेरे पास वो कार होती तो लोग सोचते कि मैं अच्छा हूं। यहाँ एक विरोधाभास है। लोग चाहते हैं कि उनका धन दूसरों को ये संकेत दे कि उन्हें पसंद किया जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में वही लोग अक्सर आपकी प्रशंसा करने से कतराते हैं। उन्हें नहीं लगता कि सिर्फ इसलिए आपकी प्रशंसा होनी चाहिए क्योंकि आपके पास धन है। वो आपके धन का उपयोग अपनी पसंद और प्रशंसा की अपनी इच्छा के लिए एक बेंचमार्क के रूप में करते हैं। पैसा निश्चित रूप से आपको शक्ति और महत्व का पद दे सकता है, लेकिन यह आपको सम्मान नहीं दिला सकता। सम्मान शक्ति और पद के लिए आ सकता है, लेकिन व्यक्ति के लिए नहीं। यदि सम्मान और प्रशंसा आपके लक्ष्य हैं, तो सावधान रहें कि आप उन्हें कैसे ढूंढते हैं। अच्छी वैल्यूज, विनम्रता, दया और सहानुभूति आपको धन की किसी भी शक्ति से कहीं अधिक सम्मान दिला सकती है। इस मजेदार सफर पर हमारे साथ बने रहिए, अभी बहुत कुछ बाकी है। धन वो है जो आप नहीं देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध फ्रेंच फैशन डिजाइनर कोको शनेल ने कहा है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है और कुछ जो अमीर हैं। शनेल को उनकी महत्वाकांक्षा और दृढ़ संकल्प के लिए जाना जाता है। ये वो दो विशेषताएं हैं जिन्होंने उन्हें फैशन के इतिहास में सबसे प्रभावशाली डिजाइनरों में से एक बनने में मदद की। पैसा महान है, जरूरी है और जीवन में बहुत सारे बंद दरवाजे खोल सकता है, लेकिन अंततः ये सब कुछ नहीं है। अगर हम वाकई में सच्चा सुख और सच्ची अमीरी की खोज करें ना, तो वो थोड़ा जटिल होगा। नमस्कार दोस्तों,
मैं हूं आपके साथ पल्लवी और हम चर्चा कर रहे हैं विख्यात वित्तीय पत्रकार मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की, जिसमें धन संपत्ति को एक मनोवैज्ञानिक ढंग से परोसने की कोशिश की गई है। जब पैसे की बात आती है तो बहुत सारी विडंबनाएं होती हैं। यहाँ एक बात याद रखने लायक है, धन वो है जो आप नहीं देखते हैं। कोई व्यक्ति जिसके पास एक बहुत महंगा वाहन है उसे धनी माना जा सकता है, हालांकि आपके पास उनकी संपत्ति के बारे में एकमात्र जानकारी ये है कि उनके पास उस महंगी कार खरीदने से पहले की तुलना में अब कुछ पैसे कम हैं। अमीर और वाकई अमीर के बीच के अंतर को ध्यान से परिभाषित किया जाना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच अंतर न कर पाए तो अक्सर हम खराब वित्तीय निर्णय ले सकते हैं। हम जो देख सकते हैं उसके आधार पर हम धन के बारे में राय बनाना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे पास यही ज्ञान है। हम लोगों के बैंक खाते या ब्रोकरेज स्टेटमेंट नहीं देख सकते, इसलिए हम वित्तीय सफलता का आंकलन करने के लिए बाहरी दिखावे पर भरोसा करते हैं, कारें, घर, इंस्टाग्राम पर प्रदर्शित तस्वीरें। लेकिन सच तो ये है कि दौलत वो है जो आप नहीं देखते। अच्छी कारें नहीं खरीदी गई, हीरे नहीं जड़ाए गए या घड़ियां नहीं पहनी गई। धन वित्तीय संपत्ति है जिसे अभी तक आपके द्वारा देखे जाने वाले सामान में परिवर्तित नहीं किया गया है। चलिए यहाँ आहार और व्यायाम के द्वारा एक उपयोगी उदाहरण लेते हैं। वजन कम करना विशेष रूप से कठिन है, यहाँ तक कि जोरदार व्यायाम करने वालों में भी। व्यायाम ना अमीर होने जैसा है। आप सोचते हैं मैंने बहुत व्यायाम या काम कर लिया है और अब मैं अपने आप को एक बढ़िया भोजन खिला सकता हूँ। यहाँ वो महंगा भोजन असल में आपका धन कम कर रहा है। ऐसे में अगर आप वास्तव में उस तरह के खर्चे को नकारते हैं तो ही आप समझदार और अमीर लोगों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जी हाँ, ये कठिन जरूर है और इसके लिए बहुत जबरदस्त आत्मनियंत्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। ये आप क्या कर सकते हैं और क्या करने के लिए चुनते हैं के बीच एक अंतर पैदा करता है जो आपको समय के साथ पता चलता है। हम उस तरह से धन के बारे में नहीं सोचते हैं क्योंकि आप किसी ऐसी चीज की व्याख्या नहीं कर सकते जिसे आप नहीं देख सकते। लोग अनुकरण से सीखने में अच्छे होते हैं, लेकिन धन की छिपी प्रकृति दूसरों की नकल करना कठिन बना देती है। हम में से कई लोगों के लिए समस्या ये है कि समृद्ध रोल मॉडल ढूंढना आसान है, धनवानों को खोजना कठिन है, क्योंकि परिभाषा के अनुसार उनकी सफलता अधिक छिपी हुई है। रोनाल्ड रीड अपनी मृत्यु के बाद कई व्यक्तियों के लिए एक वित्तीय रोल मॉडल बन गए, लेकिन जब तक वो जीवित थे तब तक वो किसी के आदर्श नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने भाग्य का एक एक पैसा छिपा कर रखा था। यहाँ तक कि उन लोगों से भी जो उन्हें भली भांति जानते थे और उनसे प्रेम करते थे। दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो मामूली से दिखते हैं लेकिन वास्तव में अमीर हैं। साथ ही ऐसे लोगों से भी जो अमीर दिखते तो हैं लेकिन दिवालिया होने के कगार पर हैं। दूसरों की उपलब्धियों का आंकलन करते समय और अपने लक्ष्य निर्धारित करते समय इसे ना ध्यान में रखें। अगर आपके पास जो पैसा है उसे खर्च नहीं कर सकते हैं तो क्या करें? ये हम अपने अगले महत्वपूर्ण पड़ाव में जानेंगे, जो है पैसे बचाने के विषय में। आप बने रहिएगा हमारे साथ। सेव मनी, पैसे की बचत। कितनी कमाल की बात है ना कि वो इकलौती चीज जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं उसी से बस वो एक चीज बनती है जो हमारे लिए मायने रखती है। जी हाँ, बात पैसों की हो रही है। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और आज की इस चर्चा में आइए पैसे बचाने की कुछ आसान से उपाय सीखते हैं। देखिए, इस दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। पहले वो जो पैसे बचाते हैं, दूसरे वो जो नहीं सोचते कि वो बचा सकते हैं, और तीसरे जो नहीं सोच सकते कि उन्हें बचाने की जरूरत है। आज की ये चर्चा बाद के दो तरह के लोगों के लिए है। आइए जानते हैं पैसों से संबंधित वो सात स्टेप्स जो बचत के महत्व को समझाते हैं। एक, धन का निर्माण आपकी आय या निवेश रिटर्न के साथ बहुत कम है और आपकी बचत दर के साथ बहुत कुछ करना है। इसे समझने का एक शानदार तरीका तेल के साथ पैसे की तुलना है। 1970 के दशक में तेल की खपत तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन जल्दी ही लोगों को एहसास हुआ कि तेल सीमित है और खत्म हो सकता है। इस समस्या का मुकाबला करने के लिए लोगों ने अधिक तेल खोदने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय ऊर्जा बचत करने वाली मशीनरी और वाहन बनाकर अपने पास मौजूद तेल का संरक्षण करना शुरू कर दिया। आपके पैसे से भी ऐसा ही किया जा सकता है। आप जो कुछ भी लेते हैं उसे खर्च करने के बाद धन केवल संचित बचा हुआ है।
और चूंकि आप उच्च आय के बिना धन का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन उच्च बचत दर के बिना धन बनाने का कोई मौका नहीं है, ये स्पष्ट है कि कौन सा अधिक मायने रखता है। दो, धन का मूल्य आपकी आवश्यकता के हिसाब से होता है। आपके पैसे की दक्षता आपके द्वारा अर्जित धन से अधिक महत्वपूर्ण है। कम पैसे में खुश रहना सीखना आपके पास जो है और आप जो चाहते हैं उसके बीच एक अंतर पैदा करता है, अपनी तनख्वाह बढ़ाने से मिलने वाले अंतर के समान, लेकिन आपके नियंत्रण में। एक उच्च बचत दर का मतलब है कि आप जितना खर्च कर सकते हैं उससे कम खर्च करना, और कम खर्च होने का मतलब है कि अगर आप अधिक खर्च करते हैं तो आपकी बचत तुलना में आगे बढ़ जाती है। तीन, आय के एक निश्चित स्तर के बाद आपकी जरूरतें आपके आत्म मूल्य के बराबर हैं। एक बार जब आप भोजन, कपड़े और आश्रय जैसी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त कमाते हैं, और साथ ही आप अपनी कारों की तरह अपने आराम के स्तर को प्राप्त करते हैं, इससे ऊपर की हर चीज को खुद का प्रतिबिंब माना जाता है। आपका पैसा कम होना शुरू हो जाएगा यदि आप इसे दूसरे लोगों को दिखाने के लिए खर्च करते हैं कि आपके पास पैसा है। अपनी बचत बढ़ाने के सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है अपनी आय नहीं बढ़ाना, यह आपकी विनम्रता को बढ़ाने के लिए भी जरूरी है। चार, लोगों की बचत करने की क्षमता उनके नियंत्रण में, कम खर्च करके बचत की जा सकती है। यदि आप कम चाहते हैं तो आप कम खर्च करते हैं, और आप कम इच्छा करेंगे यदि आप इस बात की कम परवाह करते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। इस पुस्तक से आप जो सबसे अच्छी सीख ले सकते हैं वो ये है कि पैसा वित्त की तुलना में मनोविज्ञान पर अधिक निर्भर करता है। पांच, आपको बचत करने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग घर या नई कार या सेवानिवृत्ति के लिए डाउन पेमेंट के लिए पैसे बचाते हैं, जबकि ऐसा करना एक अच्छी बात है। बचत के लिए कुछ खरीदने के स्पष्ट लक्ष्य की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आप सिर्फ बचत के लिए बचत कर सकते हैं। केवल एक विशिष्ट लक्ष्य की बचत करना एक अनुमानित दुनिया में समझ में आता है, लेकिन हमारे लिए नहीं। खर्च करने के उद्देश्य के बिना बचत आपको विकल्प और लचीलापन प्रदान करती है, जिसे आप प्रतीक्षा कर सकते हैं या उछाल सकते हैं। यह आपको सोचने की अनुमति देता है, साथ ही अपनी शर्तों पर अपनी दिशा बदलने की अनुमति भी। छह, अपने समय पर लचीलापन और नियंत्रण धन पर एक अनदेखी वापसी है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि आपका बैंक आपको अपने नकद पर कितना रिटर्न देगा, ताकि आप करियर बदलने या जल्दी सेवानिवृत्त होने या चिंता से मुक्त होने की योजना बना सके? ये तय करना मुश्किल है। जब आपका अपने समय पर नियंत्रण नहीं होता है तो आप अपनी किस्मत को स्वीकार करने के लिए मजबूर होते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। लेकिन अगर आपकी बचत आपको सही अवसर की प्रतीक्षा करने देती है तो ये आपकी बचत पर एक छिपा हुआ प्रतिफल है। सात, छिपे हुए रिटर्न्स और उनका महत्व। आज की दुनिया में इस तरह के छिपे हुए रिटर्न का महत्व पहले की तुलना में कहीं अधिक है। नौकरियां सीमित लग सकती हैं और निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा भी अधिक है। एक दिन हार कर आप उस पहले अवसर को स्वीकार कर लेते हैं जो आपको मिल सकता है, क्योंकि खाली बैठना और अधिक कठिन हो जाता है। और चूंकि अपने समय और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण रखना दुनिया की सबसे मूल्यवान मुद्राओं में से एक बन रहा है, इसलिए लोग ऐसा कर सकते हैं और लोगों को ऐसा करके पैसा बचाना चाहिए। ये तर्क वितर्क यूं ही चलते रहेंगे, आप भी संग रहिए। उचित बनाम तर्क संगत। जब भी बात रीजनेबल वर्सेस रैशनल की हो तो हमेशा तर्क संगत होने की कोशिश करने की तुलना में कई बार उचित कार्य करने का लक्ष्य रखना बेहतर है। इससे ना कई बार बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ पल्लवी, और धन संपत्ति के मनोविज्ञान की इस चर्चा में आज बात करते हैं उचित बनाम तर्क संगत की, यानी क्या रीजनेबल है और क्या रैशनल, और इन दोनों का क्या महत्व है। आइए समझते हैं मशहूर लेखक मोगन हाउजल की लिखी इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए। इंसान को रोबोट या मशीन से अलग करना आसान है। कैलकुलेटर आपको किसी भी समीकरण का सही उत्तर देगा, चाहे आप उससे कितनी भी बार पूछें। आप इसके बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटर तर्क संगत सॉफ्टवेयर के साथ प्रोग्राम किया गया है जो कभी गलत नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्यों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम इतने सारे कारकों से निपटते हैं। हमारी भावनाओं को एक सरल उदाहरण देने के लिए पूरी तरह से तर्क संगत होना लगभग असंभव है।
हम एक तर्कसंगत दुनिया में नहीं रहते हैं, इसलिए हम जो सबसे अच्छा बनने की कोशिश कर सकते हैं वो उचित है। इस कड़ी में लेखक बताते हैं कि एक उचित दृष्टिकोण हमेशा तर्कसंगत से बेहतर क्यों होगा, खासकर जब आप पैसों के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं 19वीं सदी के मनोचिकित्सक जूलियस वैगनर ज़ोरिक की, जिन्हें चिकित्सा विज्ञान में उनके योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, विशेष रूप से मलेरियोथेरेपी नाम के उनके अनूठे उपचार के लिए। इसमें वो सिफिलिस का इलाज करने के लिए रोगियों को मलेरिया के इंजेक्शन लगाते थे। ये सुनने में काफी बेतुका और खतरनाक है, लेकिन कई रोगियों को खोने के बाद जूलियस ने अपने इलाज से 60% की सफलता दर हासिल कर ली। उन्होंने देखा कि बुखार होने पर सिफिलिस के रोगी बेहतर तरीके से ठीक हो जाते हैं, क्योंकि बुखार किसी भी संक्रमण से लड़ने की शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया पैदा करता है। जूलियस ने सोचा कि एक मरीज में मलेरिया का इंजेक्शन लगाकर वो बुखार पैदा कर सकता है और इस तरह सिफिलिस को ठीक करने में मदद कर सकता है। अब तर्कसंगत दृष्टिकोण से 60% की सफलता दर ये देखते हुए खराब नहीं है कि बीमारी के लिए कोई और उपचार नहीं थे, लेकिन यदि आप किसी से पूछें कि क्या वो मलेरिया से बुखार प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसका स्पष्ट उत्तर होगा नहीं। बुखार इस स्थिति में फायदेमंद साबित हुआ, लेकिन सामान्य तौर पर बुखार से तकलीफ होती है और ऐसा कोई नहीं चाहेगा। जब आप निवेश के बारे में बात करते हैं, तो कई लोग हो सकते हैं जो निवेश, वित्तीय सलाह और चक्रवृद्धि के बारे में ज्ञान बांटे, लेकिन सच तो यह है कि इसमें हमेशा जोखिम का एक तत्व शामिल होगा और आपके पास लाभ प्राप्त करने का फूल प्रूफ और रैशनल फॉर्मूला कभी नहीं हो सकता है। अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार आगे कहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में अधिकांश पूर्वानुमान भयानक हैं, लेकिन पूर्वानुमान लगाना उचित है। निवेश के पूर्वानुमानों पर कार्रवाई करना खतरनाक है, लेकिन ये समझ में आता है कि लोग भविष्यवाणी करने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होने वाला है। ये मानव स्वभाव है। लोग अक्सर अपने देश में और अपनी परिचित कंपनियों में निवेश करना पसंद करते हैं, दुनिया भर की अन्य 95% जगहों को अनदेखा करते हुए। आप तर्क कर सकते हैं कि आपका निवेश कुछ अजनबियों को प्रभावी रूप से पैसा दे रहा है। यदि परिचितता आपको उन अजनबियों का समर्थन करने के लिए विश्वस्त करती है, तो ये उचित है। अगर आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करें जिसकी आपको परवाह नहीं है, तो जब तक सब कुछ ठीक चल रहा हो आप मजे से इसका आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर कभी वक्त बदले तो किसी ऐसी चीज पर पैसा खोना जिसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं है थोड़ा मुश्किल काम है और तकलीफ दे भी। यदि आप किसी कंपनी से भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, तो आप उसके मिशन, उत्पादन, टीम, विज्ञान, जो कुछ भी पसंद करते हैं, उन पर पैसा गंवाने में कम से कम ऐसा महसूस करेंगे कि आप किसी सार्थक चीज का हिस्सा हैं, और यही हार न मानने के लिए आपकी आवश्यक प्रेरणा हो सकती है। आमतौर पर वो करें जो आपको पसंद है। ऐसी बातें सिर्फ फॉर्चून कुकी की तरह लगती हैं, लेकिन अगर आप इसे सफलता की बाधाओं से निपटने के लिए आवश्यक धीरज प्रदान करने वाली सलाह के रूप में देखते हैं, तो ये एक अच्छी खासी फाइनेंशियल स्ट्रेटजी हो सकती है। ऐसी ही और स्ट्रेटजीज पर आगे भी बात करते रहेंगे। आप बने रहें हमारे संग। हैरानी की बात, कैसी आयरनी है कि वही इतिहास जो बीत चुका है, परिवर्तन के अध्ययन के लिए भविष्य के मानचित्र के रूप में उपयोग किया जाता है ना हैरानी की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी और बात हो रही है धन संपत्ति के मनोविज्ञान की। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर स्कॉट सैगन के अनुसार, अर्थव्यवस्था या निवेश बाजारों का अनुसरण करने वाले सभी लोगों को अपनी दीवार पर लटका देना चाहिए, जो चीजें पहले कभी नहीं हुई हैं, वो हर समय होती हैं। इतिहास वैसे तो आश्चर्यजनक घटनाओं का अध्ययन है, लेकिन ये अक्सर निवेशकों और अर्थशास्त्रियों द्वारा भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसे आप विडंबना मानते हैं या समस्या? इतिहास हमें हमारी अपेक्षाओं को जांचने में मदद करता है, लेकिन ये किसी भी तरह से भविष्य का नक्शा नहीं है। कई बार निवेशक एक जाल में फंस जाते हैं जिसे इतिहासकारों की भविष्यवाणी कह सकते हैं, पर इसके लिए आप निवेशकों को दोष नहीं दे सकते। यदि आप निवेश को एक कठिन विज्ञान के रूप में देखते हैं, तो इतिहास भविष्य के लिए एक आदर्श मार्गदर्शक होना ही चाहिए। खैर, उनमें से कई निवेशकों की भावनाएं होती हैं, इसलिए ये अनुमान लगाना कठिन है कि वो आगे क्या करेंगे।
अर्थशास्त्र की आधारशिला यह है कि चीजें समय के साथ बदलती हैं। आगे क्या होने वाला है इसके लिए एक मार्गदर्शक के रूप में इतिहास का उपयोग आम बात है। ऐतिहासिक डेटा में सबसे महत्वपूर्ण घटनाएं रिकॉर्ड तोड़ने वाली घटनाएं हैं और वो ही हैं जो अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार चलाती हैं, जैसे व्यापक मंदी, द्वितीय विश्व युद्ध, .com बबल या फिर 11 सितंबर वगैरह। ये मुट्ठी भर बाहरी घटनाएं बहुत ही बड़ी भूमिका निभाती हैं क्योंकि वो अपने साथ और भी कई असंबंधित घटनाओं को प्रभावित करती हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में किसी भी समय जो हो रहा है उसका अधिकांश हिस्सा पिछली कुछ घटनाओं से जुड़ा हो सकता है जिनकी भविष्यवाणी करना लगभग असंभव था। ऐसा नहीं है कि हमें अतीत के आश्चर्यों का उपयोग भविष्य की सीमाओं के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में करना चाहिए, बल्कि हमें पिछले आश्चर्यों का उपयोग एक प्रवेश के रूप में करना चाहिए कि हमें नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है। इतिहास अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार के भविष्य के लिए एक भ्रामक मार्गदर्शक हो सकता है क्योंकि ये उन संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए जिम्मेदार नहीं है जो आज की दुनिया के लिए प्रासंगिक है। आइए जानते हैं कि क्या बदला था। जैसे जैसे अवसर बढ़े प्रतिस्पर्धा बढ़ी, प्रौद्योगिकी ने सूचना को अधिक सुलभ बनाया और उद्योग बदल गए क्योंकि अर्थव्यवस्था औद्योगिक से प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में बदल गई जिसमें अलग अलग व्यवसाय चक्र और पूंजी उपयोग है। इस तरह चीजें बदल गई। निवेश इतिहास की एक दिलचस्प बात यह है कि आप जितना पीछे देखते हैं उतनी ही अधिक संभावना है कि आप एक ऐसी दुनिया को देख रहे हैं जो अब लागू नहीं होती। कई निवेशक और अर्थशास्त्रियों को ये लगता है कि उनके पूर्वानुमान दशकों यहाँ तक कि सदियों के आंकड़ों के आधार पर हैं, लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्थाएं विकसित होती हैं, हाल का इतिहास अक्सर भविष्य के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक होता है। निवेश में एक सामान्य वाक्यांश है जिसे आमतौर पर मजाक में इस्तेमाल किया जाता है कि ये इस बार अलग है। यदि आपको किसी ऐसे व्यक्ति का खंडन करने की जरूरत पड़े जो बिना अतीत को प्रतिबिंबित किए भविष्यवाणी कर रहा हो ना, तो बस इतना कह दीजिए, ओ तो आपको लगता है कि ये इस बार अलग है। ये निवेशक जॉन टेम्पलटन कहते हैं कि निवेश में चार सबसे खतरनाक शब्द हैं, इस बार ये अलग है। हालांकि वो ये बात मानते हैं कि कम से कम 20% समय बात अलग ही होती है। दुनिया बदल जाती है और ये बदलाव वही हैं जो समय के साथ सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पैसों के बारे में सोचते समय इतिहास को नजरअंदाज कर देना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि इतिहास में आप जितना पीछे देखेंगे आपके निष्कर्ष उतने ही ज्यादा सामान्य होने चाहिए। सामान्य चीजें जैसे लालच और भय के साथ लोगों का संबंध, तनाव में वो कैसे व्यवहार करते हैं और प्रोत्साहन के प्रति वो कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, समय के साथ कैसे स्थिर होते हैं। लेकिन विशिष्ट रुझान, विशिष्ट व्यापार, विशिष्ट क्षेत्र, बाजारों के बारे में विशिष्ट कारण संबंध और लोगों को अपने पैसे के साथ क्या करना चाहिए, यह हमेशा प्रगति के विकास का एक उदाहरण है। इतिहासकार भविष्य वक्ता नहीं है, तो सवाल यह है कि हमें कैसे सोचना चाहिए और भविष्य की योजना कैसे बनानी चाहिए। इस पर चर्चा जारी रहेगी, आप बने रहिए हमारे साथ। गलती की गुंजाइश। आप जानते हैं ना कि आपके प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा होना चाहिए प्लान मुताबिक ना हो पाने का भी प्लान करना। यानी कोई जरूरी नहीं कि आप जैसा सोच रहे हो हमेशा वैसा ही हो, और हर समझदार इंसान के पास हमेशा किसी भी योजना में गलती होने की गुंजाइश होनी ही चाहिए। नमस्कार दोस्तों, चर्चा हो रही है धन संपत्ति के मनोविज्ञान पर मॉर्गन हाउसल की लिखी किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ भाग में से, और मैं हूँ पल्लवी। जब आपके घर पर कुछ मेहमान आ रहे हों और आप एक नई खाने की रेसिपी आजमा रहे हों, तो हो सकता है कि आप कुछ अतिरिक्त तैयार करना चाहें, कुछ ऐसा जो आप पहले भी पका चुके हों। अक्सर ये इसलिए भी होता है कि क्या पता जिस नई रेसिपी को आप आजमा रहे हैं वो आपकी इच्छा अनुसार न बने। त्रुटियों की प्रत्याशा या गलती की गुंजाइश इसी को कहते हैं। त्रुटि के लिए जगह रखने में हमारी बुद्धि ये स्वीकार करती है कि कुछ अनिश्चित और अज्ञान होना भी जीवन का एक अहम हिस्सा है। उनसे निपटने का एक यही तरीका है कि आप क्या सोचते हैं और क्या हो सकता है, इसके बीच की खाई को बढ़ाकर आपके पास एक दिन और लड़ने की सक्षमता हो। लेकिन लोग लगभग हर उस चीज में गलती की गुंजाइश को कम आंकते हैं जो वो तब करते हैं जहां पैसा शामिल होता है। स्टॉक विश्लेषक अपने ग्राहकों को मूल्य का लक्ष्य देते हैं, मूल्य की सीमा नहीं,
आर्थिक पूर्वानुमान लगाने वाले भी व्यापक संभावनाएं नहीं बताते, जबकि सटीक आंकड़ों के साथ चीजों की भविष्यवाणी करते हैं। जो पंडित अटल निश्चय के साथ बोलता है, उसके अनुयायी उस व्यक्ति की तुलना में ज्यादा होंगे जो ये कहे कि हम निश्चित रूप से नहीं जान सकते। इसीलिए शायद बेंजामिन ग्राहम को सुरक्षा का मार्जिन नामक एक सामान्य अवधारणा के लिए जाना जाता है। वो कहते हैं, सुरक्षा के मार्जिन का उद्देश्य पूर्वानुमान को अनावश्यक रूप से प्रस्तुत करता है। त्रुटियों की प्रत्याशा की सराहना नहीं की जाती, बल्कि इसे गलत समझा जाता है। लोग इसे अक्सर एक रूढ़िवादी बचाव के रूप में देखते हैं, जिसका उपयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहते हैं या अपने विचारों में विश्वास नहीं रखते। लेकिन जब सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो ये बिल्कुल विपरीत होता है। ये समझने के लिए आप अपनी वित्तीय योजनाओं में त्रुटियों की प्रत्याशा का उपयोग कैसे कर सकते हैं, यहाँ एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है। कल्पना कीजिए कि आप 50 साल की उम्र में सेवानिवृत्त होना चाहते हैं और आप पिछले सभी वर्षों की वापसी दरों को ध्यान में रखते हुए हर महीने एक निश्चित राशि का निवेश करना शुरू करते हैं। सिद्धांत रूप में ये एक अच्छा विचार प्रतीत होता है, लेकिन आप जो अनुमान नहीं लगा रहे हैं वो है अगले 50 वर्षों की अनिश्चितताएं। एक बुनियादी उदाहरण ये है कि यदि आप या आपके परिवार में कोई भी चिकित्सा आपात स्थिति से पीड़ित हो जाए और आपको अपने पैसे की आवश्यकता पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसी योजनाओं के लिए दिए गए समाधान के अनुसार आपको अगले 50 वर्षों के प्रतिफल को पिछले 50 वर्षों के प्रतिफल के एक तिहाई होने का अनुमान लगाना चाहिए। कम अनुमान लगाने से आपको किसी भी अनिश्चितता के लिए तैयार होने में मदद मिल सकती है, या कम से कम आपकी योजनाओं पर उनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। जीवन में बहुत सी चीजों के लिए एक अच्छा नियम है कि जो भी कुछ टूट सकता है वो अंततः टूट ही जाएगा। इसलिए यदि बहुत सी चीजें अगर किसी एक चीज के काम करने पर निर्भर करती हैं और वो चीज टूट जाती है तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। ये विफलता का एकमात्र बिंदु है। ऐसे में गलती की गुंजाइश आपके लिए अपने लक्ष्य का विस्तार करने की तरह है। ये सोच आपको उन सभी परेशानी और निराशा वाली घटनाओं से बचाने में भी मदद करती है जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अनुमान लगाइएगा कि आप अपनी बचत का उपयोग कैसे करेंगे। ऐसा मानना होगा जैसे आपको पता है कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है और आपके आने वाले दिनों में क्या खर्चे होंगे, और हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं होता। कुछ वित्तीय योजनाएं जो केवल जाने माने जोखिमों के लिए तैयार होती हैं, उनमें इतना मार्जिन हमेशा होता है कि वास्तविक दुनिया में सर्वाइव कर सके। क्योंकि हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है आपकी योजना के अनुसार न होने की योजना बनाना। बात अभी पूरी नहीं हुई है, आप कहीं मत जाइएगा। निराशावादी होने का मनोविज्ञान। दोस्तों, अगर आप देखते हैं कि दो नई फिल्में लॉन्च हो रही हैं, पहली एक लड़के के बारे में है जो धीरे धीरे अपने सपनों पर काम कर रहा है और वो सब कुछ हासिल कर रहा है जो वो चाहता है, अपनी पसंद का करियर और एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार, और दूसरी फिल्म में प्राकृतिक आपदाओं या एलियंस की वजह से दुनिया का अंत होने वाला है, तो आप किसे देखना चाहेंगे? पहली फिल्म की कहानी बेहतर हो सकती है, लेकिन दूसरी निश्चित रूप से अपनी विनाशकारी प्रकृति के लिए अधिक दिलचस्प होगी। अधिकांश लोगों के लिए आशावाद सबसे अच्छा दाव है, क्योंकि दुनिया ज्यादातर लोगों के लिए बेहतर होती है, लेकिन निराशावाद हमारे दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। निराशावाद आशावाद से अधिक सामान्य ही नहीं, अधिक स्मार्ट भी लगता है। ये बौद्धिक रूप से लुभावना है और इस पर आशावाद की तुलना में अधिक ध्यान दिया गया है। है ना थोड़ा हैरान करने वाली बात? नमस्कार, मैं हूं पल्लवी और चर्चा का विषय है धन संपत्ति का मनोविज्ञान। अगर किसी को बताएं कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे या आपको संदेह की नजर से देखेंगे। किसी को बताएं कि वो खतरे में हैं तो आपको उनका अभिवाजित ध्यान तुरंत मिलता है, खासकर जब आप पैसों के बारे में बात करते हैं। भला क्यों? और ये कैसे प्रभावित करता है कि हम पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं? ऐसा होने के तीन कारण हैं। पहला, जब कुछ बुरा होता है तो ये सभी का ध्यान आकर्षित करता है। आप जानते हैं कि दो विषय हैं जो आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, चाहे आप उनमें रुचि रखते हो या नहीं, पैसा और स्वास्थ्य। जबकि स्वास्थ्य के मुद्दे व्यक्तिगत होते हैं, पैसे के मुद्दे अधिक व्यवस्थित होते हैं। एक कनेक्टेड सिस्टम में जहां एक व्यक्ति के फैसले हर किसी को प्रभावित कर सकते हैं, ये समझ में आता है कि वित्तीय जोखिम क्यों सुर्खियों में आते हैं और कुछ अन्य विषयों पर ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए जब पैसों की बात आती है तो जब सब कुछ अच्छा हो रहा होता है ना, तो वो आकर्षक नहीं लगता।
लेकिन बाजार के खराब पूर्वानुमान या मंदी की बातें अधिक चिंताजनक हैं और अधिक ध्यान आकर्षित करती हैं। दूसरा, निराशावादियों की भविष्यवाणी बाजार के अनुकूल क्षमता पर विचार नहीं करती है। अर्थशास्त्र में एक अनकहा कानून है, बेहद अच्छी और बेहद बुरी परिस्थितियां शायद कभी भी लंबे समय तक नहीं रहती हैं। ये मान लेना और कहना कि कुछ बुराई होगा आसान है, और ये प्रेरक है क्योंकि इसके लिए दुनिया को बदलने की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन लोग अनुकूलन करते हैं और इस तरह कई बार हम देखते हैं कि समस्याओं का समाधान हो रहा है। ऐसी धमकी समान मात्रा में समाधान को प्रोत्साहित करती है। आर्थिक इतिहास में सीधी रेखाओं में भविष्यवाणी करना एक सामान्य सी बात है जिसे निराशावादियों द्वारा बहुत आसानी से भुला दिया जाता है। तीसरा, प्रगति बहुत धीमी गति से होती है लेकिन असफलताओं को नजरअंदाज करना बहुत जल्दी होता है। कितनी बार हमने देखा है कि रातों रात बहुत बड़ी त्रासदी होती है, रातों रात चमत्कार कम ही देखने को मिलते हैं। निराशावाद के इर्द गिर्द एक कथा बनाना आसान है क्योंकि कहानी के टुकड़े नए और निकट के होते हैं। आशावादी बातों के लिए इतिहास और विकास के एक लंबे खंड को देखने की आवश्यकता होती है जिसे लोग भूल जाते हैं और उन्हें एक साथ रखने के लिए अधिक प्रयास करते हैं। चीजों के महान होने की अपेक्षा करने का अर्थ है सब कुछ सपाट सा लगना, आम सा महसूस करना, कुछ अलग नहीं हो रहा है जैसे ख्याल आना। निराशावाद उम्मीदों को कम करता है, स्वाभाविक परिणामों और उन परिणामों के बीच की खाई को कम करता है जिनके बारे में आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं, शायद इसलिए ये इतना मोहक है। चीजों के खराब होने की उम्मीद करना सुखद आश्चर्य करने का सबसे अच्छा तरीका है जब वो नहीं होती हैं। आशावाद से लगता है कोई आपको कुछ बेच रहा हो, लेकिन निराशावाद ऐसा लगता है जैसे कोई आपकी मदद करने की कोशिश कर रहा हो। ये सारे भाव पैसे के प्रति हमारे मनोविज्ञान को दर्शाते हैं। चर्चा ना बड़े दिलचस्प मोड़ पर है, उम्मीद है आप हमारे साथ बने रहेंगे। सब कुछ विश्वास करने लायक। दोस्तों, धन संपत्ति के मनोविज्ञान को थोड़ा और समझने के लिए बात करते हैं विश्वास की। नमस्कार, मैं हूं पल्लवी। जब हम अर्थव्यवस्थाओं, व्यवसायों, निवेशों और करियर के विकास के बारे में सोचते हैं तो हम मूर्त चीजों के बारे में सोचते हैं, हमारे पास कितना सामान है और हम क्या करने में सक्षम हैं। लेकिन कहानियां अब तक अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत हैं। यही वो ईंधन है जो अर्थव्यवस्था के मूर्त भागों को काम करने दे सकती हैं, या वो ब्रेक जो हमारी क्षमताओं को नियंत्रण में रखता है। व्यक्तिगत स्तर पर अपने पैसे का प्रबंधन करते समय कहानी संचालित दुनिया के बारे में दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, जितना अधिक आप चाहते हैं कि कुछ सच हो, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप एक ऐसी कहानी पर विश्वास करेंगे जो इसकी सच होने की बाधाओं को कम करती है। जीवन में बहुत सी चीजें हैं जो हमें सच लगती हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सच हो। लेखक उन्हें आकर्षक कथाएं कहते हैं। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं, विशेष रूप से निवेश और अर्थव्यवस्था पर, उनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक आकर्षक कल्पना तब होती है जब आप स्मार्ट होते हैं, आप समाधान खोजना चाहते हैं लेकिन सीमित नियंत्रण और उच्च दाव के संयोजन का सामना करते हैं, वो बेहद शक्तिशाली होते हैं। वो आपको किसी भी चीज के बारे में विश्वास दिला सकते हैं। इतनी सारी वित्तीय राय हैं कि एक बार जब आप कोई रणनीति या पक्ष चुनते हैं तो आप आर्थिक और मानसिक रूप से उनमें निवेशित हो जाते हैं। किसी को अगले वॉरेन बफे के साथ निवेश करने का मौका देने की घोषणा करें तो लाखों लोग इसके पीछे अपनी जीवन भर की बचत लगा देंगे। यदि आपको लगता है कि मंदी आ रही है और आप अपने सभी शेयरों को प्रत्याशा में बेच देते हैं तो अर्थव्यवस्था के बारे में आपका दृष्टिकोण अचानक से विकृत हो जाएगा, जो आप चाहते हैं। हर छोटी घटना एक संकेत की तरह दिखेगी कि कयामत आ गई है, शायद इसलिए नहीं कि ऐसा है बल्कि इसलिए कि आप इसे चाहते हैं। दो, दुनिया के बारे में हर किसी का एक अधूरा नजरिया होता है, लेकिन हम अंतराल को भरने के लिए एक पूरी कथा बनाते हैं। जीवन का सीमित ज्ञान रखने वाला बच्चा अभी भी खुश रहेगा क्योंकि वो खुद को समझाने के लिए अपने दिमाग में कहानियां बनाता है कि सब कुछ ठीक है। वो सांता क्लॉस द्वारा उपहार लाने या टूथ फेरी को अपने तकिए के नीचे पैसे छोड़ने के विचार से खुश हो सकता है। ये नजरिया वास्तव में हम सभी के लिए सच है, चाहे हमारी उम्र कुछ भी हो। भले ही हमारे पास पूरी जानकारी ना हो, लेकिन हम ये समझने और समझाने के लिए कथाएं बनाते हैं कि चीजें किस तरह से होती हैं, वो क्यों होती हैं। अधिकांश लोग जब किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते क्योंकि उनके अनुभव सीमित हैं,
हम सभी चाहते हैं कि जिस जटिल दुनिया में हम रहते हैं वो कम से कम हमें तो समझ में आए। इसलिए हम प्रभावी रूप से ब्लाइंड स्पॉट के अंतराल को भरने के लिए खुद को कहानियां सुनाते हैं। ये इतना सुकून देने वाला है कि हम खुद को ये बताने के लिए ललचाते हैं कि हमारा अपने जीवन के सभी हिस्सों में पूरा नियंत्रण है। इजराइल के एक मनोवैज्ञानिक अर्थशास्त्री डैनियल कैनमैन बताते हैं ये कहानियां कैसे बनाई जाती हैं। योजना बनाते समय हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं। दूसरों की योजनाओं और कौशल की उपेक्षा करते हुए जिनके निर्णय हमारे परिणामों को प्रभावित कर सकते हैं। अतीत की व्याख्या करने और भविष्य की भविष्यवाणी करने दोनों में हम कौशल के कारण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हैं और भाग्य की भूमिका की उपेक्षा करते हैं। हम जो जानते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और जो हम नहीं जानते उसकी उपेक्षा करते हैं, और इसी से हमें अपने विश्वासों में अत्यधिक विश्वास हो जाता है। चर्चा में आगे है अब तक की कही हर बात का कुल जमा निचोड़, तो अपने फायदे के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। कुल जमा। नमस्कार दोस्तों, अब हम धीरे धीरे अपने सफर के आखिरी पड़ाव तक पहुंच रहे हैं। ये अध्याय कुछ और नहीं बस एक सारांश है उन छोटे और कार्रवाई योग्य सबक के बारे में जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। मैं हूं पल्लवी और हम बात कर रहे हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। लेखक के ही शब्दों में एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं, एक डेंटिस्ट की कहानी जो बुरी तरह गड़बड़ा गई। हमें अपने पैसे का क्या करना है इसके बारे में सलाह देने के खतरों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सिखाती है ये कहानी। क्लारेंस नाम का एक आदमी साल 1931 में एक डेंटिस्ट के पास बहुत बदहाल अवस्था में पहुंचा। उस डेंटिस्ट ने सर्जरी करके क्लारेंस को राहत दिलाने की कोशिश की। एक हफ्ते बाद क्लारेंस की मृत्यु हो गई और उसकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर लापरवाही और बिना इजाजत इलाज करने का मुकदमा ठोक दिया। अब डेंटिस्ट का कहना था कि उसने अपनी समझ और ज्ञान के दम पर फैसला लिया और अपना काम ईमानदारी से किया। ये मसला बरसों तक अदालत में रहा और इसका कोई हल न निकल सका। चिकित्सकों का मानना है कि हितैषी होने के कारण मरीज को उनके इरादों पर और न्याय करने की क्षमता पर भरोसा करना चाहिए। ये इतना आसान नहीं है। चिकित्सा एक जटिल पेशा है और चिकित्सकों और रोगियों के बीच की बातचीत भी जटिल है। वो अंतिम पंक्ति महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं कि और कौन सा पेशा ऐसा है वित्तीय सलाह देने का? लेखक आगे कहते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता कि आपके पैसे का आपको क्या करना है, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मुझे नहीं पता कि आप क्या, कब और क्यों चाहते हैं। मैं बस ये आशा कर सकता हूँ कि आप मेरी सलाह से सहमत होंगे। इस चेतावनी के साथ आइए कुछ छोटी सिफारिशों को देखें जो आपको अपने पैसे के साथ बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकती हैं। जब चीजें सही हो रही हों तो विनम्रता रखें और गलत होने पर क्षमा या करुणा खोजने के लिए उस रास्ते से हट जाएं, क्योंकि ये कभी भी उतना अच्छा या उतना बुरा नहीं होता जितना दिखता है। दुनिया बहुत बड़ी है और जटिल भी। भाग्य और जोखिम की शक्ति का सम्मान करें और बेहतर होगा कि उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। आपके पास सही रोल मॉडल खोजने का भी बेहतर मौका होगा। भविष्य में अधिक सामान या अधिक विकल्प रखने के लिए आप आज जो खरीद सकते हैं उस इच्छा को दबाकर धन का निर्माण किया जा सकता है। आप कितना भी कमा लें कभी भी सहेज नहीं पाएंगे अगर आप सिर्फ आज के मजे लेने में व्यस्त रहें तो। आपको सबसे अच्छे रिटर्न अर्जित करने या अपनी आय का एक विशिष्ट प्रतिशत बचाने का लक्ष्य रखना चाहिए। सभी वित्तीय निर्णयों के लिए सबसे अच्छा यूनिवर्सल गाइड पोस्ट है कि क्या इस निर्णय से मुझे अच्छी नींद आएगी। यदि आप एक निवेशक के रूप में बेहतर कमाना चाहते हैं तो आपके लिए जरूरी है अपने दायरे को बढ़ाना। निवेश में समय ही सबसे शक्तिशाली है। इससे छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं और बड़ी गलतियां दूर हो जाती हैं। ये भाग्य और जोखिम को बेअसर नहीं कर सकता, लेकिन ये परिणामों को उस ओर धकेलता है जिसके लोग हकदार हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हैं। आपको बहुत सी चीजों के साथ काम न कर पाने में सहज होना चाहिए। आपको हमेशा व्यक्तिगत निवेश के बजाय अपने पूरे पोर्टफोलियो को देखकर मापना चाहिए कि आपने कैसा प्रदर्शन किया है। व्यक्तिगत निवेश पर ध्यान केंद्रित करें। ये जरूरी नहीं है कि आप औरों को कैसे नजर आते हैं। अपने समय पर नियंत्रण हासिल करने के लिए धन का उपयोग करें। आप जो चाहते हैं, जब चाहते हैं, जिसके साथ चाहते हैं, ठीक वैसा करने की क्षमता जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। आप जैसे हैं बहुत हैं। आपकी संपत्ति से कोई भी प्रभावित नहीं है। आपको लगता है कि आपको महंगी कार या एक अच्छी घड़ी चाहिए,
लेकिन दरअसल आप जो चाहते हैं वो है सम्मान और प्रशंसा। बचत करें, सिर्फ बचत। आपको बचत करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं है। कार या डाउन पेमेंट या मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना बहुत अच्छा है, लेकिन उन चीजों के लिए बचत करना जिनकी भविष्यवाणी करना असंभव है, बचत करने के सर्वोत्तम कारणों में से एक है। कई स्मार्ट, सूचित और उचित लोग भी वित्त निवेश से असहमत हो सकते हैं, क्योंकि लोगों के लक्ष्य और इच्छाएं काफी भिन्न होती हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि कोई एक सही उत्तर नहीं है, केवल वो उत्तर सही है जो आपके लिए काम करता है। तो दोस्तों, इन सुझावों के साथ ही हम मॉर्गन हाउसल की लिखी इस किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के समापन पर आ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी बातों का लाभ उठाएंगे। नमस्कार।